उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर तक और ऐसे ही बातें करते रहे, एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। और फिर वहीं बेड पर ही बातें करते करते पता नहीं कब उन दोनों की आंख लग गई और वो दोनों वहीं पर सो गए। अगली सुबह 6 बजे के अलार्म से राजवीर की आंख खुली तो वही नींद में ही अपना मोबाइल ढूंढने लगा अलार्म बंद करने के लिए। और उसने जैसे ही अपना दूसरा हाथ उठाने की कोशिश की तो उसे वो हाथ काफी भारी लगा। और जब उसने आंख खोलकर देखा तो साइना उसके हाथ पर ही सिर रखकर उसके एकदम बगल में लेटी हुई थी और सो रही थी। मोबाइल के अलार्म की आवाज का साइना पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो राजवीर के हाथ पर सिर रखकर एकदम आराम से सो रही थी। उसे ऐसे आराम और सुकून से सोता हुआ देखकर राजवीर का भी मन नहीं हुआ उसे जगाने का, और राजवीर ने अपना मोबाइल ढूंढकर अलार्म ही बंद कर दिया और थोड़ी देर तक साइना के चेहरे की तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचने लगा, कहाँ थी तुम अब तक साइना? काश मैं भी थोड़ा लकी होता और प्रिया की जगह तुम मिली होती मुझसे, बट अब तो काफी देर हो गई है या शायद नहीं हुई है। अभी तो तुम मेरी लाइफ में ही हो, लेकिन क्या ये सब सही होगा? क्या मैं साइना को पसंद करने लगा हूं? लेकिन वो तो किसी और से प्यार करती है, पर जो प्यार दुखते वो प्यार नहीं होता। ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? बेड पर लेटे लेटे ही अपने मन में ये सब सोचते हुए राजवीर को काफी देर हो गई और जब तक साइना की आंख भी खुल गई। लेकिन साइना को जागता हुआ देखकर राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे अपने इतने करीब लेटा हुआ देखकर साइना कैसे रिएक्ट करेगी। साइना की जब आंख खुली और उसने देखा कि वो राजवीर के एकदम करीब उसके हाथ पर सर रखकर लेटी हुई है तो ये देखकर वो एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, यहाँ पर कब सो गई मैं? रात को कुछ पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। और फिर मन में सोचने लगी कि अच्छा हुआ जो राजवीर अब तक सोकर नहीं उठे, नहीं तो पता नहीं क्या सोचते वो हम दोनों को एक साथ सोता हुआ देखकर। मैं जल्दी से नहाकर रेडी हो जाती हूँ राजवीर के उठने से पहले, और फिर वहां से उठकर अपने कपड़े लेकर वो बाथरूम में चली गई। साइना के वहां से चले जाने के बाद राजवीर ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और निश्चित किया कि साइना अब कमरे में नहीं है, तो उसने फिर अपनी पूरी आंख खोली और मुस्कुराता हुआ बोला, हाउ क्यूट एंड स्वीट। साइना को सच में लगा कि मैं सो रहा था, और फिर वो भी बेड से उठ गया। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही साइना नहाकर बाथरूम से निकली तो उसने राजवीर को जगा हुआ देखकर स्माइल किया, तो राजवीर भी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग साइना। गुड मॉर्निंग, आप भी जाकर नहा लीजिए, फिर हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि आपको ऑफिस भी तो जाना होगा ना आज, साइना उसे जैसे याद दिलाते हुए बोली। मॉम डैड को पता है कि हम यहाँ रुके हैं, तो अगर मैं थोड़ा लेट भी ऑफिस जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राजवीर बोला। ठीक है, फिर आप आराम से रेडी हो जाइए, मैं नीचे ब्रेकफास्ट पर वेट करती हूँ आपका, आप आ जाइएगा, साइना बोली। ओके, तुम चलो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर राजवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और साइना कमरे से नीचे उतरकर किचन की तरफ आ गई। साइना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो राइमा उसे रोकती हुई बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है दी, आप यहाँ मेरे साथ बैठो आकर। अच्छा ठीक है, बोलकर साइना भी राइमा के साथ ही आकर एक चेयर पर बैठ गई। साइना के बैठते ही राइमा की नजर उसके गले के एस अल्फाबेट वाले लॉकेट और चेन पर पड़ी। ओ वाओ दीदी, ये तो बहुत प्रिटी है, आपने खरीदा या फिर किसी ने गिफ्ट दिया? राइमा साइना की गले में पहने लॉकेट देखते हुए बोली। गिफ्ट ही है, मैं कहाँ खरीदती हूँ जल्दी कुछ अपने लिए, साइना बोली। किसने दिया गिफ्ट, जीजू ने? राइमा ने पूछा। साइना ने हाँ में सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया और फिर से कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक तो राजवीर भी वहां पर आ गया और सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए वहीं पर खड़ा हो गया। बैठो बेटा, आओ हमारे साथ नाश्ता करो, साइना के पिता राजवीर से बोले। ओ थैंक्स, आप सबने मेरा वेट किया, राजवीर बोला। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा देर नहीं हुई अभी, तो सब अभी सोकर उठे हैं।
साइना की माँ राजवीर को नाश्ता सर्व करती हुई बोली। उसके बाद उन सभी ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर एक साथ ही बैठ गए और थोड़ी बहुत बातें होने लगी। लेकिन तभी राजवीर का फोन रिंग हुआ और उसने निकाल कर देखा तो आर्यन का कॉल था। आर्यन का कॉल देखकर राजवीर वहाँ से थोड़ा साइड में आकर उससे बात करने लगा। आर्यन बोला, हेलो भाई, कहाँ है आप? राजवीर बोला, अभी तो यही हूँ यार। आर्यन बोला, ऑफिस आने का कोई इरादा है या नहीं? राजवीर बोला, आऊंगा लेकिन पता नहीं कितनी देर लगेगी अभी यहाँ। आर्यन बोला, जल्दी निकलो भाई, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। या फिर आपको ससुराल में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और आने का मन ही नहीं है वहाँ से? राजवीर बोला, अच्छा बेटा, हेल्प चाहिए तभी याद आती है तुझे मेरी। और अच्छा क्या लग रहा है, कौन सा यहाँ जिंदगी भर रुकने वाला हूँ मैं जो ऐसे बोल रहा है तू? आर्यन बोला, अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जल्दी आओ आप ऑफिस। राजवीर बोला, ओके देखता हूँ, और तू थोड़ा काम कर ले नहीं तो डैड से डांट पड़ेगी। आर्यन बोला, काम ही कर रहा था भाई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मेरा दूसरा दिन ही तो है आज ऑफिस में। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, अब फोन रख, बाय। आर्यन बोला, ओके बाय भाई। आर्यन से बात करके राजवीर वापस साइना के घर के हॉल में आ जाता है और वहाँ आकर साइना से बोलता है, अब हमें वापस चलना चाहिए। ऐसे अचानक क्या हुआ, ऑफिस से कॉल था क्या? साइना ने पूछा। हाँ, ऑफिस से ही कॉल था, राजवीर ने कहा। कोई जरूरी काम आ गया है क्या बेटा? साइना के पिता ने राजवीर से पूछा। हाँ काम तो है, इसीलिए मुझे ऑफिस पहुंचना होगा थोड़ी ही देर में, तो अब मैं चलता हूँ। चलो साइना, तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूंगा, राजवीर बोला। थोड़ी देर और रुकते बेटा तुम दोनों यहाँ तो हम लोगों को अच्छा लगता, साइना की माँ राजवीर की तरफ देखकर बोली। रुक जाता माँ, लेकिन जरूरी काम है ऑफिस में, राजवीर ने कहा। कोई बात नहीं माँ, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे, साइना ने अपनी माँ से कहा और फिर राजवीर की तरफ देखकर बोली। बस 5 मिनट रुकिए, मैं सामान लेकर आती हूँ रूम से। ओके, जल्दी करना थोड़ा, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, राजवीर बोला। ठीक है, मैं आती हूँ। साइना अपने कमरे की तरफ चली गई और राइमा भी उसकी मदद करने के लिए पीछे पीछे जाती हुई बोली, मैं भी साथ चलती हूँ दी, आपकी हेल्प कर दूंगी पैकिंग में। साइना और राइमा के कमरे में जाने के बाद राजवीर साइना के मम्मी पापा का पैर छूकर उनके घर से बाहर आ जाता है और अपनी कार स्टार्ट करके दरवाजे के सामने कार खड़े करके कार में बैठा रहता है साइना का इंतजार करते हुए। थोड़ी ही देर में साइना भी दरवाजे से निकलकर घर से बाहर आती है। उसका भाई आरव भी उसे घर के बाहर छोड़ने आता है और उसका बैग पकड़े हुए होता है। वो बैग राजवीर की कार में रख देता है। साइना अपने भाई बहन से गले मिलती है और फिर कार के अंदर आकर राजवीर के साथ बैठ जाती है। राजवीर कार स्टार्ट करता है और पहले घर आकर साइना को घर में छोड़ देता है और फिर बाहर से ही कार बैक करके ऑफिस चला जाता है। साइना को बताकर और उससे बोलता है कि तुम मॉम से बता देना अगर वो मेरे बारे में पूछे तो। राजवीर की इस बात पर साइना हाँ में सिर हिलाती है और राजवीर की कार रोकते ही शेखावत मैंशन के दरवाजे पर उतर जाती है और वॉचमैन साइना के हाथ से बैग पकड़ लेता है और अंदर जाकर बैग रखाता है। साइना भी घर के अंदर आती है और सबसे पहले अपनी सास के कमरे में उनसे मिलने जाती है तो वो साइना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, अरे वापस आ गए तुम लोग, लेकिन राजवीर कहाँ है, दिख नहीं रहा? वो तो मुझे घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए दरवाजे से ही, साइना ने उन्हें बताया। काम के अलावा तो कुछ सूझता ही नहीं है इस लड़के को, इतनी जल्दी थी इसे ऑफिस जाने की कि घर के अंदर तक नहीं आया, तुझे भी बाहर ही छोड़कर चला गया। आने दो, शाम को बताती हूँ उस लड़के को, वीना जी नाराज होती हुई बोली। कोई बात नहीं मम्मी जी, उन्हें शायद ऑफिस में कोई जरूरी काम था, घर पर कॉल भी आया था ऑफिस से। वैसे संजना कहाँ है, उससे भी मिल लेती हूँ मैं, साइना ने वीना जी से कहा। वो तो कॉलेज गई है बेटा, 2 बजे तक ही आएगी, जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगी तुम घर वापस आ गई हो, वीना जी बोली। ओके मम्मी जी, मैं अपना बैग अनपैक कर लेती हूँ जब तक कमरे में जाकर, साइना बोली।
ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं लंच तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगी, वीना जी ने कहा। ठीक है। इतना बोलकर साइना वहाँ से अपने कमरे में चली गई और फिर अपना बैग अनपैक करने लगी और सारा सामान अलमारी में रखते हुए साइना के हाथ में वो टी शर्ट आ गई जो उसने कल रात राजवीर को पहनने के लिए दी थी। और फिर राजवीर के पूछने पर साइना ने उस टी शर्ट और अमन से जुड़ी सारी यादें और बातें भी राजवीर को बताई थी। साइना ने वो टी शर्ट भी अलमारी में ही रख दी और सारा सामान रखने के बाद साइना बेड पर बैठ गई और फिर उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और शीशे में उसने खुद को देखा और फिर उसकी नजर राजवीर की दी हुई चेन और लॉकेट पर पड़ी जो कि उसके गले में था और वो सच में काफी सुंदर लग रहा था। वो चेन और लॉकेट देखकर साइना को वो कल रात की सारी बातें याद आ गई कि किस तरह से राजवीर ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया और फिर अपने हाथों से वो चेन उसके गले में पहनाई और उसके बाद की वो सारी बातें उसे याद आने लगी। फिर वो राजवीर के बारे में सोचने लगी, कितना गलत हुआ राजवीर के साथ, इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग और लॉयल इंसान को ऐसे धोखेबाज और सेल्फिश दोस्त और गर्लफ्रेंड मिली, और सच में कितना कुछ सहा है राजवीर ने अकेले ही और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाए, आज तक कितना कुछ बुरा हुआ उनके मन में। अच्छा हुआ कल रात मैंने उनसे वो सब पूछा, नहीं तो मुझे भी नहीं बताते, शायद किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं अब। वैसे जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो अगर किसी के साथ भी होता तो उसका भी प्यार और दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाता, लेकिन राजवीर अगर इतने ही समझदार हैं तो फिर उन्हें ये भी तो समझना चाहिए कि दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर कोई धोखा नहीं देता, कुछ लोग हमेशा ही साथ निभाते हैं और कभी भी छोड़कर नहीं जाती किसी के भी लिए, हाँ जब तक कि ऊपर वाले की मर्जी ना हो, जैसे कि अमन अब मेरे साथ नहीं है लेकिन कम से कम मेरी यादों में तो है, और जीते जी तो उसने मुझे कोई धोखा तो नहीं दिया ना। वैसे मुझे लगता है राजवीर अब मुझ पर थोड़ा भरोसा करते हैं और शायद उसी भरोसे के चलते उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें बताई कल रात। वैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब हो ही गई है हम दोनों के बीच। साइना यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और रिंगटोन की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर निकली और इधर उधर अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी। मोबाइल रिंगटोन की आवाज सुनकर साइना अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी। उसका मोबाइल फोन वही बेड पर फैले हुए कपड़े के बीच पड़ा था और वहीं कहीं से आवाज आ रही थी। जब तक कि साइना को अपना मोबाइल मिला तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और फिर साइना ने देखा तो उसकी माँ का कॉल था। क्या हुआ, ये माँ क्यों कॉल कर रही थी, कॉल बैक कर लेती हूँ। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपनी माँ के नाम की मिस्ड कॉल देखकर साइना ने अपने मन में सोचा और फिर उसी नंबर पर कॉल बैक करने लगी। साइना की माँ ने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो बेटा, पहुंच गए तुम दोनों? हाँ माँ, आ गए थे हम लोग, थोड़ी देर हो गई, साइना ने जवाब दिया। ठीक है, बस यही पूछने के लिए फोन कर रही थी मैं, साइना की माँ बोली। ओके माँ, बाय, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और इतना बोलकर साइना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, साइना की माँ ने फोन पर कहा। अपनी माँ से फोन पर बात करने के बाद साइना अपने और राजवीर के साथ इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। ये सब क्या कर रहे हैं हम दोनों, घर वालों से अपने रिश्ते की सच्चाई छुपाकर क्या हम सही कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आज मैं राजवीर जी से इस बारे में बात करूंगी, साइना ने अपने मन में सोचा। और वो ये सब चीज सोच ही रही थी कि तभी संजना उसके कमरे में आई और बोली, हाय भाभी, यू आर बैक, आई मिस्ड यू सो मच, और इतना बोलती हुई संजना साइना के गले लग गई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया संजना, कैसी हो तुम, साइना भी उसके गले लगते हुए बोली। मैं ठीक हूँ भाभी, बस अभी कॉलेज से आई हूँ, तो मॉम ने बताया कि आप आ गई हैं, तो मैंने चेंज भी नहीं किया और तुरंत पहले आपसे मिलने चली आई, संजना ने कहा। बहुत अच्छा किया, मैं भी अकेली बोर हो रही थी कमरे में, साइना ने कहा। और वहां पर सब कैसे हैं, रायमा ने पूछा मेरे बारे में, संजना ने पूछा। सब ठीक है, रायमा बहुत बातें करती थी मुझसे तुम्हारी, इतनी जल्दी तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गई, मुझे बहुत अच्छा लगा,
साइना ने कहा। इतनी भी जल्दी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने तो आपकी एंगेजमेंट के वक्त ही अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। जब हम दोनों आपके साथ शॉपिंग पर गए थे तब भी, और तब से ही हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए, संजना ने साइना को बताया। बहुत अच्छी बात है, साइना भी संजना की बातें सुनकर खुश होती हुई बोली। तभी एक मेड साइना का खाना लेकर उसके कमरे में आ गई और बोली, मैम वीना मैम ने आपका लंच भिजवाया है। आपने अभी तक लंच नहीं किया भाभी, मेड की बात सुनकर संजना ने साइना से पूछा। नहीं अभी नहीं किया, मम्मी जी ने बोला था कि वो मेरा लंच रूम में ही भिजवा देंगी, तो बस अभी करूंगी मैं। तुमने लंच कर लिया, साइना ने संजना से पूछा। नहीं भाभी मैं तो बस अभी कॉलेज से आई हूँ, चेंज नहीं किया, अभी तो लंच कहाँ से करूंगी। वैसे आप कर लो, मैं थोड़ी देर बात कर लूंगी अपने रूम में, संजना ने कहा। नहीं तुम जाकर चेंज करके आओ, साथ में करते हैं लंच हम दोनों, साइना ने संजना से कहा। अरे भाभी पर आपको भूख लगी हो तो आप कर लो ना लंच, संजना बोली। अरे नहीं साथ में ही करते हैं, तुम आओ चेंज करके जब तक मैं खाना लगाती हूँ दोनों का, साइना ने कहा। ओके भाभी मैं बस अभी आई 5 मिनट में, इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। और उसकी जाने के बाद साइना ने मेड से कहा, संजना मैडम का भी खाना इसी रूम में ले आओ। ओके मैम, इतना बोलकर वो मेड वहाँ से चली गई और साइना बचे हुए कपड़े समेट कर खाना टेबल पर रख कर फ्रेश होने के लिए चली गई। राजवीर ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि आर्यन बाकी सभी इंटर्न्स की तरह ही काम में लगा हुआ है और उसके सीनियर्स उसके आसपास खड़े उसे काम समझा रहे हैं, साथ ही वो देख भी रहे थे कि कौन कितना काम कर रहा है। राजवीर ने ऑफिस में जब ये सब देखा तो उसने उस वक्त आर्यन से कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और वो सीधे अपने कैबिन में आ गया और ऑफिस में लगी कैमरे से आर्यन को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। आर्यन ने फोन पर बोला था कि उसे मेरी कोई हेल्प चाहिए, पता नहीं क्या हेल्प चाहिए थी उसे, लेकिन अभी इतने लोगों के बीच कैसे पूछूं मैं उसे, राजवीर कमरे से ऑफिस में नजर रखता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद राजवीर को एक आइडिया आया और उसने टेबल पर रखे फोन से एक नंबर डायल करके किसी को अंदर बुलाया। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट अमित दरवाजे पर आया और बोला, मे आई कम इन सर। हाँ अमित अंदर आओ, राजवीर ने कहा। यस सर बोलिए, अमित ने राजवीर से कहा। ऑफिस में जो इंटर्न्स आए हैं कॉलेज से, उन्हें कौन सुपरवाइज कर रहा है, राजवीर ने इनडायरेक्टली सभी के बारे में पूछा। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम, राजवीर का सवाल सुनकर अमित ने पूछा। नहीं बस कुछ डिटेल्स चाहिए, तुम्हें पता हो तो बताओ नहीं तो अरेंज करो, राजवीर ने सीरियस होते हुए कहा। विनीत सर सुपरवाइज कर रहे हैं सभी इंटर्न को और उनका टारगेट प्रोजेक्ट भी वही हैंडल कर रहे हैं, अमित ने राजवीर को बताया। ठीक है, उनसे जुड़ी सारी डिटेल्स और प्रोजेक्ट डिटेल भी मुझे आधे घंटे में अपनी डेस्क पर चाहिए, और साथ ही कुछ देर बाद 4-5 नए लोगों को एक एक करके मेरे कैबिन में भेजना, राजवीर ने कहा। ओके सर, फाइल में आपको अभी ला कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद एक एक करके जब आप बोलेंगे तो भेज दूंगा उन्हें, बस मुझे कॉल करके बोल दीजिएगा एक बार, अमित बोला। ठीक है बता दूंगा, अब तुम जाओ, राजवीर ने कहा और अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। अमित राजवीर के कैबिन से चला गया और 5 मिनट बाद एक फाइल लेकर उसके कैबिन में दोबारा आया और उसकी वर्किंग डेस्क पर वो फाइल रखकर चला गया। राजवीर ने अमित के सामने ही वो फाइल उठाई और उसके 1-2 पन्ने पलटकर फाइल चेक करने की एक्टिंग करने लगा और अमित के जाते ही राजवीर ने वो फाइल वापस रख दी और घड़ी की तरफ देखकर 5 से 10 मिनट होने का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने सोचा कि वो आर्यन को फोन कर ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी वो आर्यन को ही अपने रूम में बुलवा लेगा। उधर दूसरी तरफ आर्यन अपना काम कर रहा था और सीख भी रहा था, उसने राजवीर को ऑफिस में आते हुए नहीं देखा था, इसीलिए उसे लग रहा था कि राजवीर अब तक ऑफिस ही नहीं आया है। ऑफिस में किसी को भी नहीं पता था कि आर्यन शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा और CEO का छोटा भाई है, क्योंकि मिस्टर संजय शेखावत ने ऑफिस में किसी को भी आर्यन की असली पहचान नहीं बताई थी और उसे खुद ही अपने काम से अपनी पहचान बनानी थी, और इस वजह से ऑफिस के सभी लोग आर्यन के साथ नॉर्मल और एक जैसा बिहेव कर रहे थे।
आर्यन के लिए यह सब कुछ बहुत जल्दी और काफी नया था। उसने अपने पिता के ताने सुनकर जल्दबाजी में ऑफिस ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन उसे इस तरह के ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था कि उसके पापा और भाई की कंपनी है, इसलिए सभी लोग उसके साथ भी उसी तरह पेश आएंगे जैसे कि उसके पापा और बड़े भाई के साथ पेश आते हैं। लेकिन उसके डैड ने जो शर्त रखी थी उस हिसाब से तो आर्यन के साथ एकदम न्यू कमर जैसा ही बर्ताव किया जा रहा था, जैसा कि बाकी बाहर कॉलेज से आए लड़कों के साथ हो रहा था। धीरे धीरे आर्यन भी समझ रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना कि दूर से दिखाई देता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ समझने के लिए उसे राजवीर का साथ और उसका सपोर्ट चाहिए था। लेकिन राजवीर भी नहीं चाहता था कि ऑफिस में सबको पता चले कि आर्यन उसका सगा भाई है और फिर सब आर्यन को स्पेशल ट्रीटमेंट दे, इसलिए वो डायरेक्टली उसकी मदद नहीं कर सकता था हर काम में, और इसीलिए ही वो बहाना बना रहा था उसकी मदद करने के लिए। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अमित को कॉल किया और कहा, एक एक करके न्यूली ज्वाइन इंटर्न्स को मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर, अमित ने रिप्लाई किया और राजवीर ने फोन का रिसीवर रख दिया और वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद एक लड़का राजवीर के कैबिन में आया, वो आर्यन नहीं था। राजवीर ने उससे उसका नाम और काम में इंटरेस्ट और साथ ही वो यहाँ जॉब क्यों करना चाहता है, ऐसे ही कुछ सवाल राजवीर ने उस लड़के से पूछे और फिर उसे जाने को बोलकर अगले इंटर्न को अपने कैबिन में बुलाया। और इसी तरह 3-4 लड़कों के बाद आर्यन भी राजवीर के कैबिन में आया और राजवीर को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोला, भाई आप ऑफिस कब आए, मैंने तो आपको आते हुए देखा नहीं। 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए, लगता है तुम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थे इसीलिए मुझे नहीं देख पाए, राजवीर ने कहा। हाँ भाई, सच में बहुत काम करना पड़ता है और मुझे तो दूर से देखकर सब इजी लगता था, आर्यन मुंह बनाते हुए बोला। चलो अच्छा है, कुछ तो अकल आई अब तुझे। वैसे ये बता, तू फोन पर क्या कह रहा था, क्या हेल्प चाहिए तुझे मेरी, राजवीर ने आर्यन से पूछा। हाँ भाई, वो जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उसके लिए हमें अलग अलग कॉलेज में भेजा जाएगा सर्वे करने के लिए कि जो भी स्टूडेंट MBA या किसी भी तरह की बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं उनका नेक्स्ट गोल और इंटरेस्ट जानने के लिए, तो आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर पाएंगे क्या, आर्यन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ तेरी। ठीक है, बताओ किस तरह की हेल्प चाहिए तुझे मेरी, कॉलेज का नाम पता करना है या फिर किस तरह से अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं वो जानना है, राजवीर ने आर्यन से बोला। अरे वाह भाई, अगर आप इतनी हेल्प कर रहे हो तो फिर डैड को बोलकर मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही करवा दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को, आर्यन मजाक में बोला। ज्यादा मस्ती नहीं आर्यन, डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो बिल्कुल नहीं होगी तेरी, जब तक काम करना नहीं पड़ेगा तुझे दूसरों के काम की कदर नहीं होगी, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो मुश्किलों की खबर कैसी होगी, राजवीर बोला। अरे बस बस भाई, मैं तो बस मजाक में बोल रहा था, आप तो फिलॉसफी ही झाड़ने लगे, आप मुझे थोड़ा फील्ड वर्क समझा देना बस, बाकी मैं कर लूंगा, आर्यन ने कॉन्फिडेंस से कहा। अब ये हुई ना मेरे भाई वाली बात, ठीक है मैं डिटेल निकलवाता हूँ और तुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लास्ट ईयर का सैंपल भी ईमेल कर दूंगा, राजवीर ने आर्यन से कहा। राजवीर की बात सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आई लव यू भाई, यू आर द बेस्ट। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बटरिंग मत कर और वापस जाकर अपना काम करो, राजवीर बोला। ओके सीईओ सर, थैंक यू, इतना बोलकर आर्यन वहां से चला गया और राजवीर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, पागल कहेगा। संजना के वहां से जाने के बाद साइना दोनों का खाना टेबल पर लगाने लगी और उसे मोबाइल की मैसेज नोटिफिकेशन रिंगटोन सुनाई थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर चेक किया लेकिन उसके मोबाइल में तो कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ था, तो उसने सोचा कि मैसेज रिंगटोन उसे कैसे सुनाई थी। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही रिंगटोन की आवाज आई तो साइना कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसे बेड पर ही संजना का फोन पड़ा हुआ दिखा। अरे संजना तो अपना मोबाइल फोन यहीं भूल गई, वैसे किसके मैसेजेस आ रहे हैं इतने सारे, देखो या नहीं, रहने देती हूँ, शायद संजना को बुरा लग जाए। साइना ये सब सोच ही रही थी तब तक संजना कपड़े चेंज करके साइना के रूम में वापस आई और साइना उसे उसका मोबाइल फोन उठाकर देती हुई बोली,
अपना मोबाइल फोन तुम यहीं भूल गई थी, मैसेजेस आ रहे थे, चेक कर लो शायद इम्पोर्टेंट हो। अरे नहीं भाभी, बस वैसे वो फ्रेंड्स होंगे, चलिए खाना खाते हैं। संजना मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर मोबाइल की लाइट्स ऑफ करती हुई बोली, अच्छा ठीक है मैं सर्व करती हूँ। इतना बोलकर साइना दोनों की प्लेट में खाना निकालने लगी और फिर उन दोनों ने साथ में खाना खाया और खाना खाने के टाइम भी संजना के मोबाइल में मैसेज ट्यून रिंग हो रही थी और संजना का ध्यान भी बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था। क्या हुआ संजना, इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो रिप्लाई कर दो ना अपनी फ्रेंड को, साइना खाना खाते हुए बोली। अरे नहीं भाभी, मैं कॉल करके बात कर लूंगी। और इतना बोलकर संजना ने अपना मोबाइल फोन साइलेंट पर कर दिया और साइना के साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर संजना थोड़ी देर तक बैठी, आपस में बातें करती रही और उसके बाद संजना के मोबाइल पर एक कॉल आया और वो साइना के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। संजना का मोबाइल साइलेंट पर था, इसीलिए साइना को पता नहीं चला कि संजना कॉल की वजह से उसके रूम से चली गई है। साइना को लगा कि काफी देर से वो उसके साथ ही बैठी थी, इसीलिए ही अब अपने रूम में चली गई। संजना के वहां से चले जाने के बाद साइना ने अपनी डायरी निकाली और डायरी में कुछ नोट करने लगी। संजना ने अपने कमरे में आकर कॉल रिसीव किया और बोली, क्या है, तुम्हें बार बार क्यों कॉल कर रहे हो और मैसेजेस कर रहे हो, एक बार में समझ नहीं आता है क्या तुम्हें कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रही या कॉल रिसीव नहीं कर रही तो इसका मतलब मैं कहीं और बिजी हूँ। बिजी तो हम भी बहुत हैं, लेकिन आपके लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, मेरे लिए, सीरियसली, मुझे सब पता है किसके लिए, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है तुम सिर्फ अपने काम के लिए ही मुझे बार बार कॉल करते हो, ठीक है कल मैं कॉलेज आकर ठीक से बात करती हूँ तुमसे, संजना ने उस लड़के से कहा। अच्छा ठीक है संजना जी, फिर हम आपका इंतजार करेंगे कल कॉलेज में, उस लड़के की आवाज आई। ओके बाय, अब कॉल मत करना बार बार। इतना बोलकर संजना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने बेड पर बैठे हुए खुद से बोली, मैं भी ना बैठे बिठाए खुद ही मुसीबतें मोल ले लेती हूँ, क्या जरूरत थी मुझे इन सब में पड़ने की, अब कल जाकर देखती हूँ। संजना ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो मैसेज ओपन करके उसका रिप्लाई देने लगी। राजवीर ऑफिस से जब निकला तो उसने देखा कि आर्यन अभी भी अपने साथियों के साथ काम करने में लगा हुआ है। ये देखकर उसने अपने मोबाइल से एक मैसेज आर्यन को किया और पूछा, कितना टाइम लगेगा तुम्हें अभी, मैं तुम्हारा कार में वेट करता हूँ पार्किंग लॉट में, साथ ही घर चलेंगे। बस 10 मिनट में आया भाई, आर्यन ने राजवीर का मैसेज देखकर स्माइल करते हुए रिप्लाई किया और मन में सोचने लगा, आई एम सो लकी कि मुझे इतने अच्छे भाई मिले। राजवीर नीचे पार्किंग लॉट में आ गया और वहां पर आकर कार स्टार्ट करके पार्किंग लॉट के गेट तक आ गया और आर्यन का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद आर्यन भी दौड़ता हुआ वहां आया और राजवीर के साथ उसके कार में बैठ गया। उसे इस तरह से जल्दबाजी करता हुआ देखकर राजवीर बोला, अरे आराम से आर्यन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हारे बिना थोड़ी मैं चले जाऊंगा घर। चलो भाई अब मैं थक गया हूँ, आज घर पहुँचते ही सो जाऊंगा, आर्यन बोला और उसकी बात सुनकर राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और उनकी कार ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से बाहर आ गई। अच्छा डिनर भी नहीं करेगा क्या तू आज, वैसे पहली बार तूने इतना काम किया है, आदत नहीं है ना तुझे इसीलिए, राजवीर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ज्यादा ही काम करवा लेते हैं सभी बच्चों से, एक ही ब्रेक मिलता है बस। वैसे आप बताओ आप क्या खाते हो जो नहीं थकते और घर जाकर भी काम में ही लगे रहते हो। मैं तो घर पर हाथ भी नहीं लगाने वाला ऑफिस के काम को, आर्यन ने कहा। कुछ नहीं, जब आदत पड़ जाती है काम करने की तो फिर ज्यादा थकान नहीं होती, और मैंने तो इंसानों से धोखा मिलने के बाद काम से ही दोस्ती कर ली थी, राजवीर ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। धोखा मतलब, आपका तो ब्रेकअप हुआ था ना भाई, धोखे वाली बात सुनकर आर्यन ने राजवीर से पूछा। अरे वो सब पुरानी बातें छोड़ दो, ये सोचा है मॉम कितना खुश होंगी तुझे ऐसे काम करता हुआ देखकर, और डैड भी प्राउड फील करेंगे, राजवीर बात बदलते हुए बोला। डैड के चक्कर में ही तो बैंड बची हुई है मेरी, आर्यन मुंह बनाते हुए बोला। क्या मतलब है तेरा, तूने तो ऑफिस अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है ना, डैड ने कुछ बोला क्या तुझे, राजवीर ने आर्यन से पूछा।
मुझे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मॉम से फंक्शन वाले दिन बोल रहे थे कि आप दोनों ने मुझे सर चढ़ा कर रखा है और मुझमें जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। बस इसीलिए डैड को प्रूव करने के लिए मैंने अगले ही दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आर्यन ने भी अब अपनी पूरी बात राजवीर को बताई। आर्यन वो हमारे डैड हैं और डैड कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। वो अगर कुछ बोल भी रहे थे तो उसमें जरूर तेरी भलाई छुपी होगी, राजवीर आर्यन को समझाते हुए बोला। अच्छा, जैसे कि ताना मारने में क्या भलाई होती है भाई, और आप हमेशा डैड की साइड मत लिया करो मेरे सामने। मैं चाहे जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लूं, डैड हमेशा मुझे गुड फॉर नथिंग ही समझते रहेंगे, आर्यन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अरे मैं तो हमेशा तेरी ही साइड रहता हूं ना, और भलाई तो थी ना उसमें भी तेरी, देखना कितना हार्ड वर्किंग और जिम्मेदार हो गया है तू। मेरा छोटा भाई बिल्कुल बड़ों जैसी बातें कर रहा है, राजवीर आर्यन की तारीफ करते हुए बोला। That is why I love you भाई, क्योंकि आप ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से समझते हो और कोई नहीं, आर्यन इमोशनल होकर कार में ही राजवीर को गले लगता हुआ बोला। अरे हटो आर्यन, ड्राइव कर रहा हूँ मैं, राजवीर उसे दूर करता हुआ बोला। अब ड्राइव क्या, घर तो पहुंच ही गए हैं ना हम, आर्यन कार से बाहर देखते हुए बोला। राजवीर कार का हॉर्न बजाने लगा जिसे सुनकर गार्ड ने मेन गेट खोला और राजवीर की गाड़ी शेखावत मैंशन के अंदर एंटर हुई। भाभी जी घर आ गई या अभी भी अपने मायके में ही है, आर्यन ने राजवीर से पूछा। साइना तो सुबह ही आ गई थी मेरे साथ। अरे यहाँ घर ड्रॉप करके ही तो मैं ऑफिस गया था, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है, ऐसी कोई बात है क्या, राजवीर ने आर्यन से कहा। नहीं कुछ नहीं, बस अभी याद आया मुझे कि आप और भाभी तो भाभी के घर पर थे ना, और मैंने भाभी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा आपसे, आर्यन बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे तो नींद आ रही थी ना, बहुत ज्यादा थक गया था तू तो, राजवीर आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोला। हाँ तो बस डिनर करके सो जाऊंगा ना, क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी उठना है 9 बजे, ऑफिस के लिए भी तो निकलना है उसके बाद, घर के अंदर आते हुए आर्यन ने राजवीर से बोला। और उसकी ये बात संजना ने सुन ली और मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या सुना मैंने, आर्यन भाई और ऑफिस से, वो भी सुबह 9 बजे, कभी सोकर उठे हो भाई आप 9 बजे से पहले? अरे नहीं तो क्या, तेरी तरह 10 बजे तक नहीं सोता मैं, ऑफिस से ही आ रहा हूँ भाई, बताओ इसे, आर्यन संजना की बात का जवाब देते हुए बोला। सच्ची में ऑफिस गए थे क्या भाई ये, या फिर आपसे झूठ बुलवा रहे हैं, संजना ने राजवीर के कान में धीरे से पूछा। संजना की बात सुनकर राजवीर को हंसी आ गई और वो बोला, वैसे तुझे यकीन तो नहीं होगा लेकिन पिछले 2 दिनों से आर्यन मेरे साथ ऑफिस जा रहा है। क्या सच में, संजना हैरानी से राजवीर की तरफ देखती हुई बोली। और नहीं तो क्या, तेरी तरह झूठ नहीं बुलवाता मैं सबसे, आर्यन संजना को मुंह चिढ़ाते हुए बोला और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। राजवीर अब तक अपने कमरे में चेंज करने के लिए चला गया था, तभी उनकी माँ वीना जी वहाँ पर आई और उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर बोली, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपना नहीं गया तुम दोनों का, बंद करो लड़ाई झगड़ा संजना और आर्यन, नहीं तो तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी तुम दोनों के बारे में। भाभी को पता है कि कौन लड़ाई शुरू करता है, संजना बोली। हाँ वो तो पता ही होगा, क्या पता तूने उनके साथ भी लड़ाई कर ली हो, आर्यन बोला। अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ आर्यन, संजना हल्के गुस्से में बोली। और जब तक वो किचन से निकलकर साइना भी बाहर आ गई और उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर दूर से खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। साइना को देखकर आर्यन और संजना एक दूसरे से थोड़ा दूर एकदम शांत खड़े हो गए और आर्यन बोला, हेलो भाभी कैसी हो आप। मैं तो ठीक हूँ आर्यन, लेकिन तुम और संजना ठीक नहीं लग रहे, साइना उसी तरह से मुस्कुराती हुई बोली। मैं नहीं भाभी, ये संजना की बच्ची हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, आर्यन ने साइना से कहा। नहीं भाभी, ये आर्यन भैया ही है जो, संजना बोल ही रही थी कि उसकी माँ उसकी बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ी, अरे अब बस भी करो तुम दोनों, क्यों मेरी बहू को अपनी बचकानी लड़ाइयों में शामिल कर रहे हो, वैसे भी वो तुम सबके लिए खाना बना रही थी, थक गई होगी। अरे वाह भाभी क्या बनाया है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा ही काम कर लिया आज मैंने ऑफिस में, आर्यन ने पूछा। आपको तो हमेशा ही ज्यादा भूख लगती है, इसमें कौन सी नई बात है, संजना हंसते हुए बोली। ठीक है तुम दोनों बैठो, मैं सर्व करती हूँ,
साइना संजना और आर्यन की तरफ देखती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, इन दोनों को मैं खिला देती हूँ, तुम राजवीर के साथ ही खा लेना थोड़ी देर बाद। वीना जी साइना को मना करती हुई बोली, ओके मम्मी जी, मैं जाकर देखती हूँ। अपनी सास की बात मानकर साइना वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वीना जी ने कहा, राजवीर ऑफिस आने के कुछ देर बाद ही डिनर करता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम अभी खा सकती हो। नहीं मम्मी जी, मुझे भी अभी भूख नहीं है, मैं अभी बाद में ही खा लूंगी, साइना ने कहा। ठीक है साइना बेटा, और आर्यन तुम फ्रेश होकर आओ, और संजना तुम अपने पापा को बुलाकर लेकर आओ खाने के लिए, वीना जी बोली। मिस्टर शेखावत संजना के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए और फिर सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। फिर डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आर्यन तो सच में इतना ज्यादा थका हुआ था कि बेड पर लेटते ही सो गया। आज कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी थी ना उसे ऑफिस में, शायद इसीलिए। उधर दूसरी तरफ साइना जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि राजवीर कपड़े चेंज कर चुका है और अलमारी खोलकर उसमें कुछ ढूंढ रहा है। साइना को समझ में नहीं आया कि राजवीर क्या ढूंढ रहा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने आज अपनी डायरी लिखकर अलमारी में ही रख दी थी, कहीं उसकी वो डायरी राजवीर को ना मिल जाए। और डायरी का ध्यान आते ही साइना जल्दी से भागकर अलमारी के पास पहुंची और बिना कुछ बोले ही अलमारी में अपने साइड पर अपनी डायरी ढूंढने लगी। राजवीर उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे कोई आया है, तो वो भी अचानक से पीछे मुड़ा और साइना से टकरा गया, और आपस में टकराने की वजह से वो दोनों ही लड़खड़ाकर वही अलमारी के पास जमीन पर गिर गए। लेकिन राजवीर ने साइना के सिर के नीचे अपना हाथ रख दिया, जिससे कि जमीन पर गिरने की वजह से साइना के सिर में चोट ना लगे। और गिरते समय साइना ने डर की वजह से अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। साइना जमीन पर थी और राजवीर उसके ऊपर, और राजवीर का एक हाथ साइना की कमर पर था और दूसरा उसके सिर के नीचे था, क्योंकि वो उसे गिरने से बचाने की कोशिश में पकड़ रहा था, लेकिन संभाल नहीं पाया और दोनों ही गिर गए। साइना को जब लगा कि उसका सिर जमीन से टकराने से बच गया है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा और अपने ऊपर राजवीर को लेटा हुआ देखकर धीमी आवाज में वो बोली, थैंक्स, आपने बचा लिया। कहां बचा पाया, दोनों ही तो गिर गए। राजवीर उसे इतने करीब से देखकर थोड़ा खोया हुआ सा था, लेकिन साइना की आवाज सुनकर बोला, गिरने से नहीं, मुझे चोट लगने से। साइना भी उसी तरह से जमीन पर लेटी हुई बोली। राजवीर और साइना पहली बार एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे और उन दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की दिल की धड़कन सुन पा रहे थे। इसके साथ ही ऐसे नीचे गिरने की वजह से साइना के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे और राजवीर को साइना का चेहरा ठीक तरह से नहीं दिख रहा था। इसीलिए राजवीर अपने एक हाथ से साइना के चेहरे पर आए हुए बाल हटाते हुए उससे बोला, डरा दिया आपने तो मुझे, ऐसे अचानक ही पीछे से कौन आता है, हटिए। राजवीर की बात नजरअंदाज करते हुए साइना बोली, क्या मतलब, राजवीर ने कहा, मेरे ऊपर से हटिए, मतलब उठिए, इसी तरह जमीन पर लेटे रहने का इरादा है क्या, साइना बोली। ओह सॉरी, बोलता हुआ राजवीर साइना के ऊपर से हटकर उठता हुआ बोला और फिर खड़े होकर उसने अपना हाथ देकर साइना को भी उठाया। वैसे बताया नहीं तुमने ऐसे अचानक से अलमारी के पास आ गए तुम और मैं देख भी नहीं पाया, राजवीर बोला। मैं तो बस आपकी हेल्प करने आई थी, कुछ ढूंढ रहे थे ना आप, क्या ढूंढ रहे थे, साइना बात बदलते हुए बोली। मैं तो बस एक फाइल ढूंढ रहा था, राजवीर बोला। सच बोला था मम्मी जी ने, बहुत काम करते हैं आप, अभी ऑफिस से आए और फिर से फाइल ढूंढने लगे, काम करने के लिए ही, साइना थोड़ा शिकायत करते हुए बोली। हाँ तो और क्या करूं, काम को ही अपनी लाइफ बना लिया है मैंने, बाकी तो कुछ है नहीं, राजवीर थोड़ा उदास होते हुए बोला। ऐसा क्यों सोचते हैं आप, आपकी कितनी अच्छी फैमिली है, सब आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ एक या दो लोगों से मिले धोखे की वजह से आप सबको प्यार करना कैसे छोड़ सकते हैं, साइना ने कहा। ऐसा नहीं है साइना कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन बस अब पहले की तरह बहुत ज्यादा लगाव और विश्वास
नहीं कर पाता सभी पर, राजवीर बोला। ऐसा नहीं है, आपको खुद को दूसरा मौका देना चाहिए। क्या पता आप पहले से भी ज्यादा बेटर लोग डिजर्व करते हो लाइफ में, साइना ने राजवीर को समझाते हुए कहा। तुम दे पाई हो खुद को दूसरा मौका, सोच सकती हो किसी को अमन की जगह? नहीं ना, कहना आसान होता है साइना, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल, राजवीर ने साइना से कहा। और ये बात सुनकर साइना एकदम चुप हो गई, और उसे ऐसे चुप देखकर राजवीर उसके एकदम करीब आया और उसकी दोनों कंधे अपने हाथ से पकड़कर बोला, क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गई तुम, कुछ गलत कहा क्या मैंने, मेरी तरफ देखो साइना। राजवीर के छूते ही साइना के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई और वो उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, मेरी बात अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में अब हल्के आंसू थे। क्योंकि क्या साइना, क्योंकि अमन अब इस दुनिया में नहीं है और तुम उससे आज भी प्यार करती हो, उसे याद करके दुखी रहती हो और आज तक आगे नहीं बढ़ पाई हो, यही अलग है ना तुम्हारे हिसाब से, लेकिन अगर ठीक से देखो तो इसमें अलग कुछ भी नहीं है। तुम उसके जाने के दुख की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई हो और मैं प्रिया के धोखे की वजह से, हम दोनों एक जैसी ही सिचुएशन में फंसे हैं, राजवीर बोला। और इस जबरदस्ती की शादी में भी, राजवीर की पूरी बात सुनकर साइना एकदम से ये बात बोल पड़ी। और साइना की ये बात सुनकर राजवीर ने एकदम से उसके कंधे पर से अपना हाथ हटा लिया और दो कदम पीछे हो गया, जैसे कि उसे अचानक से कुछ याद आ गया हो साइना की बात सुनकर। फिर भी राजवीर खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन हमारे इस रिश्ते और इस शादी को लेकर तो हम दोनों के बीच में बात हो चुकी है ना? हाँ हाँ हो चुकी है, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लगता, ऐसे अपनी फैमिली को धोखा देना, साइना बोल ही रही थी कि राजवीर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बेड पर बिठाते हुए और खुद भी उसके सामने बैठता हुआ बोला, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं, आखिर हम दोनों ने अपनी मर्जी से ही शादी के लिए हाँ की थी, तो अब हम दोनों अगर अपने पास्ट की वजह से शादी को नहीं अपना पा रहे हैं तो ये सब तो नहीं बता सकते ना हम अपनी फैमिलीज को। लेकिन कल घर पर माँ पापा और सभी कितने खुश थे हम दोनों को साथ देखकर, और आज यहाँ माँ पापा और आर्यन संजना भी। राजवीर का उसका हाथ पकड़ना साइना को बिल्कुल भी गलत नहीं लगा और वो उसी तरह उसका हाथ पकड़े हुए बोली, अच्छा तो फिर तुम क्या चाहती हो, सच बताना उन सबको, राजवीर ने साइना की तरफ देखते हुए उससे पूछा। ये सवाल सुनकर साइना भी एकदम से राजवीर की तरफ देखने लगी और बोली, नहीं, अगर मैं अपनी फैमिली को सच बता पाती तो शादी से पहले ही बता देती और ये शादी ना करती, लेकिन सच बोलकर उन सबकी खुशियां नहीं छीन सकती थी मैं। हाँ तो बस ये सोचो कि तुम किसी की खुशी के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सबको सब कुछ सच बताना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ इन सब चीजों में, राजवीर बोला। उसकी बात सुनकर साइना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ देर रुक कर बोली, आपको भूख नहीं लगती क्या? क्या? साइना का ये सवाल सुनकर राजवीर ने एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या क्या, इतनी देर हो गई आपको ऑफिस से आए हुए, रात के 10 बज गए, भूख नहीं लगी आपको अब तक? बाकी सबने तो खाना भी खा लिया, साइना ने कहा। कोई ऐसे पूछता है क्या खाने के लिए, और मुझे सच में अभी भूख नहीं लगी, राजवीर बोला। लेकिन मुझे लगी है, साइना बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली। अरे तो तुमने क्यों नहीं खाया अब तक, राजवीर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो आप मेरे पति हैं तो आपसे पहले मैं कैसे खा सकती हूँ भला, साइना थोड़ा सा नाटक करते हुए और अपनी हंसी रोकते हुए बोली। अरे ऐसे किसने कहा तुमसे, और क्या बोल रही हो ये सब, तुम्हें जब भी भूख लगे तो खा लिया करो, मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, राजवीर बोल ही रहा था कि साइना उसकी शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगी, और साइना को हंसता हुआ देखकर राजवीर एकदम से चुप हो गया और फिर उसने साइना से पूछा, क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही, साइना अपनी हंसी रोकते हुए बोली।
उसे इस तरह हंसते हुए देखकर राजवीर ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा और फिर बोला, बहुत हंसी आ रही है। अच्छा सॉरी, साइना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक, और मजाक नहीं, राजवीर ने फिर से उससे पूछा। वो तो बस मम्मी जी ने बोला कि तुम और राजवीर साथ में खा लेना, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे क्या पता था आप खाना ही नहीं खाते हो, साइना बोली। अच्छा मम्मी ने बोला, लेकिन तुम एक बार बोल तो देती मुझसे, क्यों भूखी हो इतनी देर मेरी वजह से, राजवीर बोला और उसने साइना का हाथ छोड़ दिया। मैंने सोचा आप खुद ही चलोगे अभी खाना खाने, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला तो फिर मैंने ही बोल दिया, साइना बोली। अच्छा ठीक है, तुम जाकर डिनर कर लो, अब मॉम कुछ नहीं कहेंगी, राजवीर ने कहा। आप भी चलिए, डिनर का टाइम ओवर हो गया है, साइना बोली। नहीं मुझे थोड़ा काम है अभी, और भूख भी नहीं है, इतना बोलकर राजवीर अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। ये देखकर साइना को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो राजवीर के सामने आकर उसका लैपटॉप बंद करती हुई बोली, पहले डिनर बाद में काम, चलिए नहीं तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, तुम क्यों नहीं खाओगी, राजवीर ने पूछा। साइना उसके इस सवाल से सक पका गई और इधर उधर देखती हुई बोली, वो मुझे ना अकेला खाना खाने की आदत नहीं है, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा, चलो डिनर करते हैं चलकर, राजवीर अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए बोला। ये हुई ना गुड हस्बैंड वाली बात, साइना स्माइल करती हुई बोली। और फिर वो दोनों एक साथ डाइनिंग हॉल में आए और उन दोनों को देखकर मेड ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया और फिर वहां से चली गई। साइना ने दो प्लेट उठाई और एक अपने सामने रखी और दूसरी राजवीर के सामने, और फिर खाना सर्व करने के लिए चम्मच उठाने लगी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और साइना उसकी तरफ देखकर बोली, क्या कर रहे हैं आप, जो आप कर रही हैं वही, राजवीर ने कहा और साइना के हाथ से चम्मच अपने हाथों में ले लिया। क्या मतलब, साइना ने पूछा। मतलब कि तुम बैठो और आज तुम्हें खाना मैं सर्व करता हूँ, राजवीर बोला। अरे नहीं मैं कर लूंगी ना, साइना बोली। चुपचाप बैठो मैं निकालता हूँ, राजवीर ने कहा और फिर दोनों की प्लेट्स में अलग अलग खाना सर्व करने लगा। और ये देखकर साइना चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई और राजवीर को देखते हुए खाना खाने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, खाने में नमक ज्यादा है क्या, वैसे मैंने नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ सर्व किया है, राजवीर थोड़ा मजाक में बोला। नहीं कुछ नहीं, खाना तो अच्छा बना है क्योंकि मैंने बनाया है ना, साइना बोली। हाँ सच में अच्छा बना है, राजवीर एक बाइट और खाते हुए बोला। वैसे तुम मेरा वेट मत किया करो खाने के लिए। अरे लेकिन मैं तो सोच रही थी कि अब रोज डिनर आपके साथ ही करूंगी, साइना बोली। अच्छा लेकिन वो किस खुशी में, राजवीर ने उसकी तरफ देखकर पूछा। वो इसीलिए कि फिर रोज ही मुझे सर्व नहीं करना पड़ेगा, आप निकाल कर दोगे ना मेरी प्लेट में भी खाना, साइना मजाक में बोली। तुम कहोगी तो अपने हाथों से खिला भी दूंगा, राजवीर भी मजाक से बोला। क्या कहा आपने, साइना राजवीर की बात सुनकर भी अनजान बनते हुए बोली। कुछ नहीं, खाना सच में अच्छा बना था, राजवीर खाना फिनिश करते हुए और बात बदलते हुए बोला। साइना ने उन दोनों की प्लेट उठाकर किचन में रखी और फिर वो दोनों बेडरूम में वापस आ गए। राजवीर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा और साइना अलमारी से अपनी डायरी निकालकर अपने तकिए के नीचे रखकर लेट गई। अगले दिन सुबह जब साइना की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में वो अकेली थी, राजवीर कमरे में नहीं था। और फिर साइना ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। टाइम देखकर साइना जल्दी से उठकर बैठ गई और खुद से बोली, आज फिर से मुझे लेट हो गया उठने में, राजवीर जी तो ऑफिस भी चले गए होंगे, वो तो यहाँ पर सब लोग इतने अच्छे हैं कि कोई कुछ नहीं कहता, चाहे जितनी देर से सोकर उठो, नहीं तो अगर माँ को पता चल जाए कि मैं अपने ससुराल में 8-9 बजे सोकर उठती हूँ
तो माँ तो मेरा मर्डर ही कर देंगी। वैसे मैं अब क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती हूँ। इतना बोलकर साइना उठी, नहाने के लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और फिर जल्दी से नहाकर रेडी हो गई और फिर नीचे हॉल में आ गई और फिर वहां से डाइनिंग हॉल में आ गई। डाइनिंग हॉल में आकर साइना ने देखा कि उसकी सास और ननंद एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही हैं। उन दोनों को देखकर साइना ने उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोला और उन दोनों के पास पहुंची। गुड मॉर्निंग भाभी, संजना नाश्ता करते हुए साइना से बोली। गुड मॉर्निंग साइना बेटा, आओ तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, वीना जी ने साइना से कहा। वीना जी की बात सुनकर साइना थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जी मम्मी जी बोलते हुए एक चेयर पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने से पहले बोली, सॉरी मम्मी जी, वो आज मुझे थोड़ा लेट हो गया उठने में। कोई बात नहीं बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो इतनी सी बात पर। मेरे ये संजना और आर्यन तो 10-11 बजे भी सोकर नहीं उठते हैं, अगर उन्हें जगाओ ना तो, वीना जी मुस्कुराते हुए बोली। क्या मॉम, आप भी भाभी के सामने पोल खोल रही हो, संजना थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली। सच्ची तो बोल रही हूँ और तुम्हारी भाभी को कंफर्टेबल भी कर रही हूँ, वीना जी बोली। थैंक यू मम्मी जी, वो कभी कभी जब मैं रात को लेट सोती हूँ तो सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती मेरी, साइना ने बताया। हाँ मॉम, मेरे साथ भी एक एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, कभी कभी ही लेट होता है, नहीं तो आज देखिए मैं 8:30 बजे ही उठ गई थी, साइना की बात सुनकर संजना बोली। हाँ हाँ बस कर तू, मुझे मत समझा, माँ हूँ मैं तेरी, वीना जी ने कहा। ओके मॉम, आई क्विट। वैसे भाभी आप ऐसी ही क्यों बैठी हैं, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही, संजना ने साइना से कहा। हाँ बस कर रही हूँ नाश्ता, बोलते हुए साइना भी ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी वो तीनों एक साथ बैठकर बातें करती रही और इन्हीं सब में 10 बज गए और संजना के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर देखकर बोली, आ ऋतु का कॉल, और इतना बोलकर संजना ने कॉल रिसीव कर लिया एक साइड में जाकर और बात करने लगी। ऋतु कौन है मम्मी जी, साइना ने वीना जी से पूछा। साइना की फ्रेंड है ऋतु, पूरा नाम ऋतिका सेन है शायद, संजना के साथ ही कॉलेज आती जाती है, वीना जी ने साइना को बताया। ओ अच्छा, संजना का कॉलेज टाइम होगा शायद, इसीलिए ही कॉल किया है ऋतु ने, वीना जी की बात सुनकर साइना बोली। तभी संजना वहां पर आई और टेबल पर रखा अपना कॉलेज बैग उठाती हुई बोली, 10 बज गए पता ही नहीं चला, आज तो बातों में, ऋतु का फोन था, वो मेरा वेट कर रही है, मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए, गुड बाय मॉम, बाय भाभी, इतना बोलकर संजना घर से बाहर की तरफ जाने लगी। बाय संजना, साइना ने भी स्माइल करते हुए कहा। और फिर संजना के जाने के बाद वीना जी और साइना थोड़ी देर तक बैठकर बातें करती रही। वीना जी साइना को राजवीर के बारे में बताने लगी। मेरा राजवीर दिल का बहुत ही अच्छा है बेटा, लेकिन अपने दिल की बात जल्दी सबसे नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल से उसने शादी के लिए हाँ की थी, पता नहीं क्या हो गया था उसे, शादी की बात हमेशा ही डालता रहता था, लेकिन अब वो खुश रहता है। भगवान ने तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा है, ये शादी हम परिवार वालों की नहीं ऊपर वाले की मर्जी है। साइना को समझ नहीं आया कि वो अपनी सास की इस बात का क्या जवाब दे, इसीलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और उनकी बात सुनती रही और काफी कुछ सोचती भी रही। धीरे धीरे साइना वहां से सभी लोगों को जानने लगी थी और उन सभी के साथ घुलने मिलने भी लगी थी, और उसकी सास तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो साइना को बिल्कुल अपनी बेटी संजना की तरह ही मानती थी और उसे बिल्कुल भी ससुराल जैसा फील नहीं होने देती थी। कुछ देर के बाद वीना जी वहां से उठी और बोली, दिन के खाने का देख कर आती हूँ मैं, मैं भी आपकी हेल्प करूँ मम्मी जी, साइना को कुछ समझ नहीं आया तो उसने वीना जी की बात सुनकर बोला, अरे नहीं बेटा, कौन सा मुझे बनाना है जो तुम हेल्प करोगी, कुक है वही बनाएगा, मैं बस उसे इंस्ट्रक्शंस दूंगी, और तुम्हें तो बाद में ये सब काम करने ही हैं, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालना चाहती मैं तुम पर, वीना जी ने मुस्कुराते हुए साइना से कहा और वहां से उठकर वो किचन की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद साइना भी अपने कमरे में आ गई और कल रात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उसने सुना वो सारी बातें साइना के दिमाग में चल रही थी।
और वो सोच रही थी कि राजवीर ने भी तो उसकी तरह सब कुछ अकेले ही झेला। राजवीर के घर वालों को भी तो उसकी पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और साइना के साथ तो जो कुछ हुआ उसने कम से कम अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ तो शेयर किया था इससे पहले, लेकिन राजवीर के तो बेस्ट फ्रेंड ने ही उन्हें धोखा दिया। ये सब सोचकर साइना के मन में राजवीर के लिए हमदर्दी के भाव पैदा हो रहे थे, और साथ ही साइना इतने दिनों में इतना तो समझ चुकी थी कि राजवीर दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और जिस तरह से कल रात उसने साइना को समझाया और उसके साथ डिनर किया और उसे सर्व भी किया, साइना को राजवीर का वो स्वीट जेस्चर बहुत ही अच्छा लगा था। साइना ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने स्क्रीन पर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया का कॉल था। श्रेया का कॉल देखकर साइना ने जल्दी से कॉल रिसीव किया, और श्रेया को उस दिन घर पर मिलने ना आ पाने की वजह से साइना उसे डांटने लगी और पूरा गुस्सा करते हुए कॉल पर बोली, यार श्रेया मुझसे बात मत कर, तू ना बहुत बड़ी धोखेबाज है। उस दिन बोला कि शाम को आएगी, फिर तू आई ही नहीं, मैं तो तेरा वेट ही करती रह गई। साइना की बात सुनकर श्रेया कॉल पर बोली, अरे यार साइना रुक जा, थोड़ा सांस तो ले ले, और मैंने बोला था कि आऊंगी अगर टाइम मिले तो, पक्का प्रॉमिस कहा किया था मैंने आने का। साइना बोली, हाँ बस बहाने सुन लो मैडम के 101। श्रेया बोली, और आपकी शिकायतें होती है 1001। श्रेया के इतना बोलते ही वो दोनों हंसने लगे, और फिर श्रेया ने बात बदलते हुए साइना से पूछा, अच्छा तो ये बताइए मिसेस शेखावत, आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, और जीजू कैसे हैं, और आपके इन-लॉज कैसे हैं? साइना बोली, सब लोग अच्छे हैं यार यहाँ पर तो, और मैरिड लाइफ क्या है यार, समझौता है बस, दोनों की तरफ से ही दिखावे की शादी है। साइना की बात सुनकर श्रेया एकदम हैरानी से बोली, ये क्या बोल रही है यार तू, दिखावे की शादी का मतलब? साइना बोली, सच बोल रही हूँ यार, हम दोनों ने ही ये शादी अपनी अपनी फैमिलीज की वजह से की है, और निभा भी अपनी फैमिली की वजह से ही रहे हैं, और उससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। साइना ने श्रेया को पूरी बात बताई। श्रेया बोली, अच्छा तो जीजू को भी ये शादी नहीं करनी थी, फैमिली प्रेशर में आकर ही उन्होंने तुझसे शादी की? साइना बोली, अरे यार वैसे भी तू तो जानती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमन से प्यार करती थी और उसी से ही करती रहूंगी। श्रेया बोली, एक मिनट साइना, क्या बोला तूने? अमन? यार अमन अब इस दुनिया में नहीं है, तो कब तक अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी? साइना बोली, अरे यार कोई फ्यूचर नहीं है अब मेरा, अमन की यादों के सहारे ही जीना है, और मैंने राज को भी अमन और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया बोली, अच्छा किया बता दिया, लेकिन तुम दोनों को साथ मिलकर एक बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और किस्मत से जुड़े इस रिश्ते को एक मौका भी देना चाहिए, मैं तो तुझे एज अ फ्रेंड यही सजेस्ट करूंगी। साइना बोली, हाँ बहुत बड़ी ज्ञानी है ना तू, जो ज्ञान दे रही है। श्रेया बोली, वो तो मैं हूँ ही, चल अच्छा बाय रखती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर एक बार। साइना बोली, तू भी ना यार कुछ भी बोलती है, चल अच्छा बाय। श्रेया बोली, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। और इतना बोलकर साइना कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन को साइड में रख देती है, लेकिन श्रेया की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है, और वो खुद से बात करती हुई बोलती है, ये श्रेया भी ना पागल है, बिल्कुल कुछ भी बोलती है, माना कि राजवीर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं अमन की जगह कभी भी राजवीर को दे पाऊंगी, और राजवीर भी अपने पास से बहुत ज्यादा हर्ट है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी मेरे साथ अपना कोई फ्यूचर सोचा होगा। साइना अकेले बैठे खुद से ही बातें कर रहे थे, तभी राजवीर रूम के अंदर आया और दरवाजे पर ही खड़ा होकर उसे ऐसे ही खुद से बातें करते हुए देखने के लिए रुक गया। तभी अचानक से साइना की नजर राजवीर की तरफ गई, और उसे देखकर वो थोड़ा सा हड़बड़ा गई राजवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए। उसने राजवीर से पूछा, अरे आप कब आए और ऐसे क्या देख रहे हैं? राजवीर बोला, उसी वक्त जब तुम खुद से बातें कर रही थी। और वैसे किस बात को लेकर इतना परेशान हो? अरे नहीं
वो कुछ नहीं, बस अभी अपनी फ्रेंड श्रेया से बात कर रही थी कॉल पर, तो उसी के बारे में सोचने लगी, बस और कुछ नहीं, साइना ने राजवीर को बताया। अच्छा, ऐसी क्या बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से जो अब इतना सोच रही हो उस बारे में, राजवीर ने पूछा। वो श्रेया बोल रही थी कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। राजवीर का सवाल सुनकर साइना एकदम से बोल पड़ी, और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई तो एकदम से चुप हो गई। राजवीर साइना की बात सुनकर उसके एकदम सामने आया और बोला, क्या मतलब कि फ्यूचर, क्या बोल रही थी आपकी फ्रेंड? कुछ नहीं, वो श्रेया पागल है, कुछ भी बोलती है, और आप आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, साइना ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ बस आज ज्यादा काम नहीं था ऑफिस में, तो आज जल्दी आ गया घर, राजवीर साइना के सवाल का जवाब देते हुए बोला। आर्यन भी आ गया क्या? आपके साथ ही वापस आता है ना वो भी ऑफिस से? साइना ने पूछा। नहीं, वो तो अपने टाइम से ही आएगा, उसकी इंटर्नशिप चल रही है ना अभी ऑफिस में, इसीलिए, राजवीर ने बताया। अच्छा, आज आप जल्दी भी तो चले गए थे ना ऑफिस, साइना बोली। नहीं, मैं तो अपने टाइम से ही गया था, जल्दी तो नहीं गया था, राजवीर बोला। मेरे उठने से पहले ही चले गए थे आप, तो मैंने सोचा शायद जल्दी चले गए हो आप, आज इसीलिए आपने मुझे भी नहीं उठाया, साइना ने कहा। तुम्हें क्यों जगाता मैं, तुम्हें भी ऑफिस चलना था क्या मेरे साथ, राजवीर मजाक करते हुए बोला। क्या आप भी, ऑफिस नहीं जाना मुझे, फिर भी उठा तो देते मुझे नींद से, इतनी लेट तक सोती रही मैं आज सुबह, साइना बोली। तो क्या हुआ, तुम सोते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो, राजवीर ने धीरे से कहा, और साइना सुन नहीं पाई कि राजवीर ने क्या कहा, तो उसने पूछा, कुछ कहा आपने? हाँ, वो तुमने कब बोला था मुझसे कि तुम्हें उठा दूं मैं, और मैं बेवजह किसी को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करता, राजवीर बात बदलते हुए बोला। अच्छा ठीक है, पहले नहीं बोला तो अब बोल रही हूँ, प्लीज मुझे सुबह उठा दिया करिए, साइना ने राजवीर से कहा। ठीक है, जो हुक्म मैडम का, कल से उठा दूंगा, राजवीर हंसते हुए बोला। हुक्म क्या, बस एक छोटी सी हेल्प ही तो चाहिए, साइना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। ओके, वैसे तुम्हें जल्दी क्यों उठाना है, राजवीर ने पूछा। कुछ नहीं बस ऐसे ही आदत डाल रही हूँ सुबह उठने की, अच्छी आदत होती है ना ये, साइना बोली। ओ अच्छी बात है, राजवीर ने मुस्कुराते हुए साइना से कहा, और बदले में साइना ने भी स्माइल किया और अपने मोबाइल में लग गई। संजना के कॉलेज में संजना अपनी फ्रेंड रितु के साथ कॉलेज पहुंची, और अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद कॉलेज के कॉरिडोर में चलती हुई रितु से बातें कर रही थी। यार रितु, तूने क्या सोचा है, संजना ने रितु से पूछा। किस बारे में क्या सोचा है, रितु ने संजना से पूछा। अरे यार रितु, कल फिर उसका कॉल आया था, वो मुझसे 10 बार बोल चुका है, तू ही बता क्या जवाब दूं मैं उसको, संजना ने रितु को बताया। अच्छा वो, लेकिन उसे तेरा नंबर कहाँ से मिल गया, रितु ने संजना से कहा, और तब भी संजना के फोन पर एक हेलो संजना जी के मैसेज की नोटिफिकेशन आई, और संजना उस मैसेज को देखकर बोली, मेरा नंबर तो हर किसी को मिल जाता है, क्यों क्या हुआ और किसे मिल गया तेरा नंबर, संजना के फोन में झांकते हुए रितु ने उससे पूछा। अरे उसी को, और किसको, और तू ना टॉपिक मत चेंज कर, अपनी बात बता पहले, क्या जवाब दूं मैं उसको, संजना ने रितु से दोबारा पूछा। क्या बताऊं यार मैं इतनी जल्दी, रितु ने एकदम से कहा, और फिर थोड़ा सोचते हुए संजना से बोली, यार संजना एक काम कर, तू ना उससे बोल देना कि वो मुझे सामने से आकर कहे जो भी उसको कहना है। आर यू श्योर रितु, पक्का यही कहना है ना उसे, संजना ने फिर से रितु से पूछा। हाँ यार, तू एक बार बोल कर तो देखना, और फिर वो जैसा रिएक्ट करे मुझे बताना, फिर मैं आगे बताती हूँ, रितु स्माइल करते हुए बोली। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में तो, लेकिन कुछ खतरनाक ही होगा पक्का, संजना बोली। अरे नहीं, बस तू बोल देना, रितु ने कहा।
अच्छा ठीक है, फिर मैं बोल दूंगी। वैसे मुझे तो ठीक ही लगता है वो तेरे लिए, संजना उसे छेड़ते हुए बोली। हाँ पहले दूर से ये सारे ही ठीक लगते हैं, बाकी सब बाद में पता चलता है, ऋतु बोलती है। तो फिर तू साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती, मेरी भी जान छूटे इससे, संजना परेशान होते हुए बोली। इतनी आसानी से कहाँ छूटने देंगे हम आपको, ऋतु हंसते हुए बोलती है। क्या यार तुम भी, संजना ऋतु की तरफ देखते हुए बोलती है। उधर ऑफिस में आर्यन अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा हुआ काम कर रहा था काफी देर से। थोड़ी देर रुककर अंगड़ाई लेता हुआ वो घड़ी की तरफ देखता है तो टाइम देखकर बोलता है, आज तो टाइम ही नहीं कट रहा है, अभी तक 6 ही बजे हैं। आर्यन थोड़ा बोर हो रहा होता है और अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ एप्स चलाने लगता है कि तब भी ऑफिस में उसके सीनियर सर वहां पर आते हैं और सभी इंटर्न के सामने आकर की अनाउंसमेंट करते हैं और उन सभी को बताते हैं, कल से आप लोगों को 5-5 के ग्रुप में अलग अलग कॉलेज में भेजा जाएगा सर्वे और फील्ड वर्क के लिए। आप सबके पास 1 महीना है अपना पहला टारगेट कंप्लीट करने के लिए और 1 महीने में जिसका भी फील्ड परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट और ज्वाइनिंग में फायदा मिलेगा। इसीलिए डू योर बेस्ट और कल सुबह सभी को 9 बजे ऑफिस आना है और फिर यही से अपने अपने फील्ड वर्क के लिए कॉलेज के लिए निकलना है। ओके सर, आर्यन के साथ सारे इंटर्न अपने सीनियर्स की बात सुनकर कहते हैं। आप सभी को ये आपके कॉलेज आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं, कॉलेज मैनेजमेंट की कंपनी से बात हो गई है लेकिन फिर भी आप सभी को ये आईडी कार्ड अपने पास ही रखना होगा, इसके बिना आप कॉलेज में अपना काम नहीं कर पाएंगे। पहचान के लिए आपको ये आईडी हमेशा अपने पास ही रखनी होगी और इन सबके साथ ही आपको अपनी फील्ड वर्क की एक फाइल और प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी होगी। समझ गए आप सभी, विनीत सर ने सभी को पूरी बात बताई। यस सर, सभी ने एक साथ रिप्लाई किया। ओके देन, बैक टू योर वर्क। इतना बोलकर विनीत सर वहां से चले गए और उनके जाने के बाद आर्यन खुद से बातें करते हुए बोला, चल बेटा आर्यन, कल से काम शुरू कायदे से। शिखावत मैंशन। साइना कॉल पर अपनी माँ और बहन राइमा से बात कर रही होती है और वो लोग उसका हाल चाल पूछ रही होती है और साइना उनकी सब बातों का जवाब दे रही होती है फोन पर ही। राजवीर साइना के एकदम सामने बैठा हुआ काफी देर से उसे देख रहा था लेकिन एकदम सीधी नजरों से नहीं, जब साइना का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है तब राजवीर उसको ही देखते जाता है और जब वो राजवीर की तरफ देखती है तो वो इधर उधर या फिर अपने मोबाइल में देखने लगता है। साइना को देख कर राजवीर अपने मन में सोचता है, ये बहुत सैड रहती है अपने पास्ट को लेकर, वैसे हुआ तो काफी कुछ गलत है लेकिन अब जब हुआ उसे तो मैं या फिर कोई और भी बदल तो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम उसका मूड अच्छा करने के लिए और लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस लाने के लिए कुछ अच्छी यादें तो प्लान कर ही सकता हूँ ना मैं। राजवीर के मन में ये सभी चीजें आ रही होती हैं कि तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है ये सोचकर। साइना उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख लेती है और इशारों में राजवीर से पूछती है कि क्या हुआ, तो राजवीर अपनी स्माइल को थोड़ा कंट्रोल करता है और नॉर्मल होते हुए उसी तरह से इशारे में कहता है कि कुछ नहीं। साइना फिर से फोन पर बात करने लगती है और राजवीर उसकी बात खत्म होने का वेट करने लगता है और जैसे ही साइना कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल रखती है राजवीर उससे कहता है, सुनो साइना। हाँ क्या हुआ, साइना मुड़कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, वो मैं सोच रहा था कि, राजवीर बोलते बोलते रुक जाता है। हाँ बोलिए क्या, साइना उससे पूछती है। वो आज मैं जल्दी आ गया ऑफिस से तो सोचा कहीं बाहर चलते हैं आज, राजवीर फिर से इतना ही बोल पाया क्योंकि वो सोच रहा था कहीं सीधे तौर पर पूछने से साइना को बुरा ना लग जाए। कहाँ, कोई काम है क्या, कहाँ जाना है आपको, साइना ने पूछा। मेरे कहने का मतलब है मैं और तुम साथ में, राजवीर फिर से थोड़ा सा अटकते हुए बोला। मतलब कहाँ चलना है हमें साथ में, साइना ने फिर से पूछा। आज रात का डिनर बाहर करें मैं और तुम, राजवीर ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर साइना से सीधे सीधे पूछ लिया। लेकिन बाहर क्यों, घर पर भी तो ठीक ही था डिनर कल,
साइना ने कहा। क्यों, क्या, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि तुम घर पर बोर हो रही होगी तो आज तुम्हें बाहर ले जाता हूँ डिनर पर, राजवीर ने कहा। ओ थैंक्स, आपने इतना सोचा मेरे लिए। लेकिन, साइना बोलते हुए रुक गई और राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन क्या? मेरा मन नहीं है आज बाहर कहीं जाने का, साइना बोली। क्यों, क्या हो गया? ओ सॉरी, शायद मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, राजवीर थोड़ा उदास होते हुए बोला और फिर एकदम से चुप हो गया। राजवीर को ऐसे एकदम से उदास और चुप होते हुए देखकर साइना को भी थोड़ा बुरा लगा और वो बोली, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, बस आज मेरे सिर में हल्का दर्द है तो इसीलिए मन नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने मना किया। ओके, कोई बात नहीं, वैसे सिर में ज्यादा दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, या फिर डॉक्टर को यहीं बुला लूं मैं, राजवीर ने साइना की फिक्र करते हुए कहा। नहीं, बस सिर दर्द की टैबलेट खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इतना बोलते हुए साइना मेडिसिन बॉक्स ढूंढने लगी और अभी वो उस कमरे में नई थी तो उसे पता नहीं था कि मेडिसिन बॉक्स कहाँ रखा होता है। राजवीर ने उसे मेडिसिन बॉक्स निकाल कर दे दिया और कहा, ज्यादा दर्द हो तो बताना, मैं डॉक्टर को बुला लूंगा, ये लो टैबलेट खा लो जब तक। ओके थैंक्स, बोलते हुए साइना ने राजवीर के हाथ से मेडिसिन का डिब्बा ले लिया और सिर्फ दर्द की एक टैबलेट निकालकर साइना ने खा ली। लेकिन राजवीर ने आज पहली बार उसे कहीं साथ चलने के लिए पूछा था इतने दिनों में, और उसने तुरंत ही मना कर दिया, इसीलिए अब साइना को बहुत बुरा लग रहा था और राजवीर भी एकदम उदास हो गया था उस वक्त। लेकिन अब उसे साइना की फिक्र भी हो रही थी और उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद सच में साइना की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए ही वो उसके साथ बाहर नहीं जा रही। शाम को आर्यन ऑफिस से घर आया और अब तक संजना भी कॉलेज से वापस आ चुकी थी। घर आते ही संजना का मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने स्क्रीन पर नाम देखकर घर में सबके सामने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कमरे में जाकर उसने कॉल बैक किया और बोली, क्यों बार बार फोन करते हो मुझे? आपको पता तो है संजना जी, दूसरी तरफ से थोड़ी चापलूसी भरी आवाज आई। हाँ तो फिर कॉलेज में क्यों नहीं मिले, मुझे बात करनी थी तुमसे, संजना ने थोड़ी तीखे स्वर में कहा, क्योंकि वो इन सब से अब काफी परेशान हो चुकी थी। वो कॉलेज से आज मैं जल्दी घर आ गया था, वैसे क्या बात करनी थी आपको? दूसरी तरफ से उस लड़के ने फिर से उसी तरह से पूछा। वो संजना इतना ही बोल पाई कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके दरवाजे पर कोई है, तो उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, मिलकर बताती हूँ, कल तो कॉलेज से जल्दी नहीं निकलना है ना तुम्हें, नहीं तो देख लो तुम्हारा ही काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो मुझे आप कॉल करके बता देना कि कहाँ पर मिलना है, मैं आ जाऊंगा। कॉल पर दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है फिर कल ही बात होगी, और इतना बोलकर संजना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखने लगी, लेकिन बाहर उस वक्त कोई भी नहीं था, या फिर शायद था लेकिन उसे नहीं दिखा। साइना अपने कमरे में सिर दर्द की मेडिसिन खाकर बेड पर आंख बंद करके लेटी हुई थी और राजवीर कमरे की बालकनी में खड़ा मोबाइल पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, शायद ऑफिस के किसी काम से रिलेटेड ही किसी से बात कर रहा था। तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और साइना दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन तभी राजवीर जल्दी से आया और उसने साइना को बैठे रहने का इशारा करके खुद ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर राजवीर ने देखा कि सामने आर्यन खड़ा हुआ था। वो राजवीर को देखकर बनावटी लहजे में शिकायत करते हुए बोला, भाई आज आप जल्दी घर आ गए ऑफिस से, मुझे अकेला छोड़कर। बस कर नौटंकी, मैसेज किया तो था तुझे मैंने, और तू यहाँ ये बोलने आया है? राजवीर आर्यन की बात सुनकर एकदम लापरवाही से बोला, क्योंकि वो आर्यन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अरे नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो मॉम ने आप दोनों को नीचे डिनर पर बुलवाया है, तो बस उसी के लिए बुलाने आया था, आर्यन हंसते हुए बोला। आर्यन की आवाज सुनकर साइना बोली, दरवाजे पर क्यों खड़े हो आर्यन, अंदर आओ। थैंक यू भाभी,
आपने तो अंदर भी बुलाया नहीं तो लोग दरवाजे के बाहर ही खड़ा रखकर डांटते रहते हैं। आर्यन फिर से उसी तरह ड्रामा करते हुए राजवीर की तरफ देखकर बोला। आर्यन की ये बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा और साइना स्माइल करने लगी। मेरा अभी मन नहीं है खाना खाने को, माँ को बता देना मैं नहीं आ रहा डिनर के लिए अभी, राजवीर ने एकदम सीरियस होते आर्यन से कहा और फिर साइना की तरफ देखते हुए कमरे के अंदर आ गया। आर्यन राजवीर के पीछे थोड़ा सा कमरे के अंदर आया और साइना की तरफ देखकर बोला, आप तो चलो भाभी, भाई का तो ये रोज का ही है, उन्हें तो भूख भी नहीं लगती इतनी जल्दी। सच कहूं तो आज मुझे भी भूख नहीं है, तुम लोग कर लो डिनर, हम बाद में कर लेंगे, साइना ने भी डिनर के लिए मना करते हुए आर्यन से कहा। ओके भाभी, गुड नाइट। इतना बोलकर आर्यन वहां से चला गया और आर्यन के वहां से चले जाने के बाद राजवीर ने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद साइना से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए डिनर करने, सरदर्द कम नहीं हुआ क्या? नहीं, वो सिरदर्द तो ठीक है अब, मैं सोच रही थी कि, बोलती बोलती साइना चुप हो गई। क्या हुआ? ठीक है, बाद में खा लेना जब मन करे, राजवीर ने लापरवाही से कहा और अपना लैपटॉप लेकर वो सोफे पर बैठ गया। डिनर पर बाहर जाने वाला प्लान अभी भी ऑन है क्या? साइना ने राजवीर के एकदम सामने आते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। क्या मतलब? हम बाहर चल रहे हैं डिनर के लिए। साइना की बात सुनकर राजवीर की आंखों में एकदम से चमक आ गई और वो खुश होता हुआ बोला, आई एम सॉरी, आज आपने पहली बार कहीं साथ चलने के लिए पूछा और मैंने ऐसे मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था लेकिन अब ठीक है, तो क्या अब हम चल सकते हैं? राजवीर के इस तरह से खुश होकर पूछने की वजह से साइना को काफी राहत महसूस हुई तो वो उसी तरह की चैन की सांस लेते हुए बोली, हाँ लेकिन एक शर्त पर, राजवीर ने अब थोड़ा सा संजीदा होते हुए कहा। अब किस बात की शर्त? साइना ने भी थोड़ा हैरानी से पूछा। अगर तुम रेस्टोरेंट बंद होने से पहले रेडी हो गई तो चल सकते हैं, राजवीर ने अब हंसते हुए कहा। हाँ बस एक घंटा लगेगा, साइना भी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली। एक घंटा? क्या सच में? तब तक तो सच में सारे रेस्टोरेंट्स बंद ही हो जाएंगे, राजवीर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला। अरे नहीं, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, साइना ने हंसते हुए कहा। ओह, मुझे लगा कि सच बोल रही हो, क्योंकि लड़कियां तो ज्यादा टाइम ही लगाती हैं तैयार होने में, राजवीर ने साइना की बात सुनकर उससे कहा। हाँ तो पार्टी, फंक्शन या शादी में जाना हो तो टाइम तो लगता ही है ना रेडी होने में, साइना भी अपनी तरफ से पूरी तरह सफाई देती हुई बोली। अच्छा तो फिर अभी कैसे जल्दी रेडी हो जाओगी, राजवीर ने थोड़ा शक भरे अंदाज से उससे पूछा। डिनर के लिए ही तो जाना है ना, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे क्या पहनूं मैं, साइना ने अलमारी खोलकर उसके सामने खड़े होते हुए राजवीर से पूछा। कुछ भी पहन लो, जो तुम्हें पसंद हो, राजवीर ने हल्का मुस्कुराते हुए एकदम नॉर्मल ही जवाब दिया। साड़ी पहनना ही तो जरूरी नहीं है ना, साइना ने थोड़ा सा सोचते हुए पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई फैमिली फंक्शन थोड़ी ना है जो साड़ी पहनना जरूरी है, राजवीर साइना को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हुए बोला। ओह थैंक गॉड, क्योंकि अगर साड़ी पहनना होता तो पक्का मुझे 2 घंटे लगते रेडी होने में, साड़ी हैंडल नहीं होती मुझसे, साइना राहत की सांस लेती हुई बोली। क्या सच में? देखकर लगता तो नहीं है, अभी भी तुमने साड़ी ही तो पहनी हुई है, राजवीर उसकी तरफ देखकर काफी नाइकीनी से बोला। क्या करो, मजबूरी में पहननी पड़ती है, आदत नहीं है अभी मुझे, वैसे ये सिल्क और शिफॉन वाली साड़ी तो फिर भी लाइट वेट होती है, वो फंक्शन वाली हैवी साड़ी बिल्कुल हैंडल नहीं होती मुझसे, साइना पूरी बात को एक्सप्लेन करती हुई बोली। हाँ वो तो देखा ही था मैंने तुम्हारे मुंह दिखाई के फंक्शन वाले दिन, बोलते बोलते ही राजवीर रुक जाता है और साइना उसे घूर कर देखने लगती है। फिर राजवीर बात बदलते हुए बोलता है, अच्छा सुनो, तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो पहन लो, वैसे भी डिनर करने के बाद सब लोग सोने चले गए होंगे तो घर में भी कोई कुछ नहीं कहेगा।
ओके, मैं ये पहन लेती हूँ। बोलकर साइना एक ब्लैक कलर की एंकल लेंथ वन पीस ड्रेस निकालती है और उसे लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद राजवीर भी ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर निकालता है और रूम में ही चेंज करने लगता है। कपड़े चेंज करके राजवीर मिरर में बाल सेट कर रहा होता है कि तभी साइना चेंज करके बाहर निकलती है और उस ब्लैक ड्रेस में साइना बहुत ही अच्छी लग रही होती है। उसके बाल खुले होते हैं और वो भी शीशे के सामने ही आकर खड़ी हो जाती है और अपने बाल बनाने लगती है। राजवीर थोड़ी देर के लिए उसे ही देखता रह जाता है और जैसे ही साइना उसकी तरफ देखती है, राजवीर सामने शीशे की तरफ देखने लगता है और अपने लिए परफ्यूम ढूंढने लगता है। तभी साइना उसे परफ्यूम की एक बॉटल उठाकर देती है और कहती है, आई लाइक दिस वन। थैंक्स, यही लगा लेता हूँ। बोलते हुए राजवीर साइना के हाथों से परफ्यूम की बॉटल ले लेता है और साइना इयररिंग्स और ब्रेसलेट पहनकर जल्दी से रेडी हो जाती है। हल्की मेकअप और रोज पिंक कलर की लिपस्टिक में भी साइना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जब वो पूरी रेडी होकर राजवीर की तरफ अपना चेहरा करती है तो राजवीर उसे बस देखता रह जाता है। वैसे राजवीर भी काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन साइना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और राजवीर जब उसे एकटक देखता रहता है तो उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाकर वो बोलती है, आ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम रेडी हो गई हो तो चलें? राजवीर इधर उधर देखते हुए साइना से पूछता है। हाँ मैं रेडी हूँ, बस मोबाइल और वॉलेट ले लूँ। बोलकर साइना मोबाइल और पर्स उठाने लगती है। राजवीर पूरा रेडी होकर कमरे में इधर उधर बेड, सोफे और हर जगह पर कुछ ढूंढता रहता है। उसे इस तरह से कुछ ढूंढता देखकर साइना उसे पूछती है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? अब आपका क्या खो गया? वो कार की कीज मैंने कहाँ रख दी है, याद नहीं आ रहा। उसी तरह से ढूंढते हुए राजवीर पूछता है। एक मिनट, बोलते हुए साइना राजवीर की तरफ बढ़ती है और उसके पीछे दरवाजे के पास टंगे राजवीर के कोट की जेब से कार की चाबी निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहती है, ये रही कार कीज, आप हमेशा अपने कोट की जेब में ही तो रखते हैं, इतने दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं। थैंक्स, मैं रखता हूँ इतने सालों से और मुझे ही याद नहीं रहता, और तुमने इतने कम टाइम में नोटिस कर लिया, वाह। राजवीर साइना की तरफ देखकर स्माइल करते हुए और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, कितना थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। और अब लेट नहीं हो रहा, अब रेस्टोरेंट्स नहीं बंद हो जाएंगे? साइना बात बदलते हुए कहती है। ओ हाँ, चलो चलते हैं। राजवीर उसकी बात सुनकर जल्दी से बोलता है, एक मिनट, लाइट्स ऑफ कर देते हैं जिससे कि सबको लगे कि हम दोनों सो रहे हैं। साइना रूम की लाइट्स ऑफ करती हुई बोलती है। ओह, दैट्स सो स्मार्ट। राजवीर फिर से साइना की तारीफ करते हुए कहता है और वो दोनों ही एक साथ रूम से बाहर आ जाते हैं। चलिए अब। साइना रूम का दरवाजा बाहर से बंद करती हुई कहती है और फिर वो दोनों एक साथ शेखावत मैंशन से बाहर खड़ी राजवीर की कार के पास आ जाते हैं। राजवीर और साइना घर के बाहर कार के पास आ गए और उसी वक्त आर्यन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मोबाइल फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसकी नजर घर के बाहर कार के पास खड़े राजवीर और साइना पर पड़ी। वहां पर हल्की रोशनी थी, इसीलिए आर्यन ने साइना और राजवीर को पहचान लिया और थोड़ा सा किनारा खड़े होकर देखने लगा कि वो दोनों आखिर वहां पर कर क्या रहे थे। साइना और राजवीर वहां बालकनी में खड़े आर्यन को नहीं देख पाए। वो दोनों कार में बैठ गए और राजवीर कार ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों शेखावत मैंशन से काफी दूर आ गए। राजवीर की कार मैंशन के बाहर जाती हुई देखकर आर्यन ने अपने मन में सोचा, भाई और भाभी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, वो भी किसी को बिना बताए। भाई को कॉल करके पूछूं क्या? उनको वहां से जाते हुए देखकर आर्यन ने अपने मन में सोचा, अरे नहीं, रहने देता हूँ, डिनर पर गए होंगे शायद साथ में। आज डिनर नहीं किया उन दोनों ने, शायद बाहर जाने का ही प्लान होगा इनका। ये सोचकर आर्यन मुस्कुराने लगा और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और बोला, अपना मेल चेक करता हूँ, कौन सा कॉलेज मिला है मुझे। इतना बोलकर आर्यन अपने मोबाइल पर मेल चेक करने लगता है। कार में बैठी साइना एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। हमेशा की तरह
क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हमेशा की तरह राजवीर ने ही बोलना शुरू किया और ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि कहाँ चले। आपने प्लान किया था आज रात भर डिनर के लिए, तो कोई जगह तो सोची होगी ना आपने मन में, साइना राजवीर का सवाल सुनकर बोली। हाँ मैंने तो सोचा था, लेकिन फिर भी अगर कोई तुम्हारा फेवरेट प्लेस या फेवरेट रेस्टोरेंट हो तो बता दो, हम वहाँ भी चल सकते हैं, राजवीर ने साइना की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और आज आपके फेवरेट प्लेस पर चलते हैं, मेरा फिर कभी, साइना ने भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा। ओके, लेकिन पहले तुमने मना कर दिया था तो मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था, इसीलिए अब बिना रिजर्वेशन के ही मैनेज करना पड़ेगा, राजवीर साइना की बात पर उससे बताता है। ओके नो प्रॉब्लम, हम मिडिल क्लास लोग वैसे भी नॉर्मल ही जाते हैं, रिजर्वेशन जैसी चीजें तो अमीरों के लिए ही होती है, साइना ने एकदम से बोल दिया बिना रियलाइज किए कि वो क्या बोल रही है। अच्छा जी, और क्या फर्क होते हैं अमीर और मिडिल क्लास में, साइना की बात सुनकर राजवीर ने भी एकदम से ही पूछा। राजवीर के सवाल से साइना को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, तो फिर अपनी बात संभालते हुए बोली, अरे नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि रिजर्वेशन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ डिनर ही तो करना है। अच्छा मुझे लगा कुछ और भी कह रही थी तुम, राजवीर थोड़ा सा शक भरी लहजे में बोला। हाँ नहीं वो मेरा मतलब है कि हमें घर में किसी को तो बता देना चाहिए था, ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था, साइना जानबूझकर बात का टॉपिक चेंज करती हुई बोली। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मैं बस किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था रात के इस वक्त, पहले से प्लान होता तो बताकर ही निकलते घर से, राजवीर ने साइना की बात पर उसे पूरी बात बताते हुए कहा। हाँ लेकिन फिर भी अगर किसी को पता चला कि हम दोनों घर में नहीं हैं, तो सब लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे, साइना फिर से उसी बात पर थोड़ा जोर देते हुए बोली। ठीक है रेस्टोरेंट पहुंचकर मैं माँ को कॉल करके बता दूंगा, राजवीर ने उसकी बात मानते हुए कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, साइना तसल्ली से मुस्कुराती हुई बोली और फिर कुछ सोचने लगी। साइना ने अभी अभी कार में जो मिडिल क्लास और अमीर वाली बात कही थी उसे सोचकर मन ही मन खुद को इडियट बोल रही थी और खुद से मन में बातें करती हुई बोल रही थी, पागल है क्या तू साइना, ये अमीर और मिडिल क्लास वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी तुझे, राजवीर जी और उनके परिवार के सब लोग तो इतने अच्छे हैं, किसी में भी अपनी अमीरी और पैसों का जरा भी घमंड नहीं है, लेकिन फिर भी तूने इस तरह से बोल दिया जरा सी रिजर्वेशन वाली बात पर, पता नहीं राजवीर जी को कितना बुरा लगा होगा, और साथ ही उन्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं उनके बारे में ऐसा सोचती हूँ। साइना ये सब अपने मन में सोच रही थी कि इसी बीच वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए और राजवीर ने पार्किंग में कार रोक दी और साइना को आवाज देकर बोला, हम पहुंच गए साइना, चलो क्या सोच रही हो। ओह आई एम सॉरी, साइना वो सारी बातें सोचती हुई एकदम से बोल पड़ी। क्या हुआ अब सॉरी क्यों बोल रही हो, रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ है अभी ओपन है, राजवीर मजाक करते हुए बोला। ओह हम पहुंच गए क्या, साइना ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ वही तो मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें कि हम पहुंच गए, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोई हुई हो और पता नहीं किस लिए सॉरी बोल रही थी, राजवीर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने साइना से पूछा। अब पहुंच गए हैं तो अंदर चलिए, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, आपको तो लगती नहीं है, साइना कार से बाहर निकलती हुई बोली। अरे नहीं आज तो मुझे भी लगी है, चलो, बोलते हुए राजवीर भी कार से बाहर आ गया और कार से बाहर आकर उसने अपनी कार लॉक कर दी और वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर राजवीर को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि राजवीर अक्सर बिजनेस मीटिंग और अपने क्लाइंट के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता था, इसीलिए राजवीर को आता हुआ देखकर मैनेजर खुद राजवीर के पास पहुंचा और उसे गुड इवनिंग विश करता हुआ रेस्टोरेंट में वेलकम करने लगा। वो काफी बड़ा महंगा और एक 7-स्टार होटल और रेस्टोरेंट था, साइना उस जगह पर पहली बार ही आई थी इसीलिए बहुत ही हैरानी के साथ चारों तरफ से देख रही थी। रात के उस वक्त रेस्टोरेंट में काफी कम लोग थे और ज्यादातर टेबल्स खाली ही थे।
लेकिन राजवीर एक जाना माना बिजनेसमैन और शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ था, और वो कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं जो कहीं भी किसी टेबल पर बैठ जाता। वैसे राजवीर तो बैठ जाता, लेकिन रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ को हमेशा से ही ऐसे नामी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की आदत थी, इसलिए वो हर काम राजवीर से पूछकर ही कर रहा था। टेबल फॉर टू सर, उस मैनेजर ने राजवीर से पूछा। यस, बट आई वांट इट ऑन योर रूफटॉप रेस्टोरेंट, राजवीर मैनेजर से बोला। ओके सर, यू कैन सिट व्हेयरएवर यू वांट टू सर, मैनेजर ने बड़ी ही शालीनता से कहा। ओके थैंक्स, बोलकर राजवीर साइना के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। ये जगह भी तो अच्छी ही है डिनर करने के लिए, हम ऊपर क्यों जा रहे हैं, साइना ने लिफ्ट के अंदर आते हुए राजवीर से पूछा। तुम्हारी वजह से, लिफ्ट के अंदर पहुंचकर राजवीर ने बोला और लिफ्ट बंद हो गई। मैंने क्या किया अब, साइना ने राजवीर की तरफ देखकर कहा। कुछ नहीं, लेकिन तुमने ही तो कहा था मेरी फेवरेट प्लेस पर चलने को, तो बस आज वही दिखाने लिए चल रहा हूँ तुम्हें, राजवीर ने मुस्कुराकर पूरी बात समझाते हुए कहा। ओह, इसका मतलब इस होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट आपका फेवरेट प्लेस है, राजवीर की बात सुनकर साइना बोली। अभी रुको, देखना तो बस तुम्हारा भी फेवरेट प्लेस बन जाएगा ये, राजवीर पूरी यकीन के साथ बोला। ओके, साइना ने कहा, और जब तक लिफ्ट खुल गई और वो दोनों उस होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट पर पहुंच गए, और वहां पहुंचकर साइना ने देखा कि वो जगह सच में बेहद ही खूबसूरत बनी हुई थी। ओपन टेरेस रेस्टोरेंट, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगी हुई 10-12 टेबल, और रात का समय था तो लाइटिंग और डेकोरेशंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, और उस जगह का व्यू भी बहुत अच्छा था। काफी ऊंचाई पर होने की वजह से लगभग आधा शहर वहां से दिखाई दे रहा था। नीचे देखने पर और रात के समय होने की वजह से लाइट्स में जगमगाता वो होटल बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहां पर सबसे बड़ी बात की उस समय पर राजवीर, साइना और स्टाफ के एक दो लोग को छोड़कर और कोई भी नहीं था। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, और आज से ये जगह मेरी भी फेवरेट, साइना चारों तरफ देखकर खुश होती हुई बोली। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी ये जगह, साइना को खुश देखकर राजवीर भी थोड़ा खुश होते हुए बोला। खूबसूरत होने के साथ साथ इस जगह पर एक अलग तरह का सुकून और शांति भी है, साइना बोली, और फिर कुछ सोचकर बोली, एक मिनट, आपने तो बोला था कि रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था आपने, फिर यहाँ पर हमारे अलावा कोई और क्यों नहीं है, साइना ने जब नोटिस किया कि वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही थे, तब वो राजवीर से बोली, मुझे क्या पता कोई क्यों नहीं है, वैसे इतनी ज्यादा रात हो गई है, सब लोग अपने घर चले गए होंगे, राजवीर जानबूझकर उस बात को थोड़ा लाइट करते हुए बोला। अच्छा, वैसे इतना ज्यादा भी लेट नहीं हुआ, अभी 10:30 ही तो बजे हैं, साइना अपने मोबाइल में टाइम देखती हुई बोली। तो अच्छा है ना, हमें प्राइवेसी मिलेगी, राजवीर ने फिर से उसी तरह लापरवाही से कहा। क्या मतलब प्राइवेसी, डिनर ही तो करना है, साइना ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए राजवीर से पूछा। अब मेरा मतलब है शांति और सुकून मिलेगा, अकेले में और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, राजवीर बात बदलते हुए बोला, और फिर एक टेबल की चेयर साइना के लिए आगे करते हुए बोला, प्लीज सिट। थैंक यू सो मच, राजवीर के ऐसा करने पर साइना उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देखकर स्माइल करती हुई बोली। साइना की बैठने के बाद राजवीर भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया, और मेन्यू कार्ड साइना की तरफ करता हुआ बोला, अब जगह मेरी पसंद की है तो खाना तुम्हारी पसंद का होगा, तुम ही ऑर्डर करो। ओके, लेकिन मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, साइना मेन्यू की तरफ देखती हुई बोली, और तभी एक वेटर आकर उनकी टेबल पर पानी और वेलकम ड्रिंक रखकर चला गया। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी पसंद का ही खा लूंगा, राजवीर बोला, और तभी उसे याद आया कि उसकी माँ को कॉल करके उसे बताना था कि वो दोनों डिनर के लिए बाहर आए हैं। एक मिनट, जब तक तुम ऑर्डर करो तब तक मैं माँ को कॉल करके आता हूँ, इतना बोलकर राजवीर वहां से उठकर एक साइड में जाकर अपनी माँ को कॉल करने लगा, और साइना ने हाँ में अपना सिर हिलाकर और ड्रिंक पीते हुए मेन्यू कार्ड देखने लगी। राजवीर ने एक वेटर को इशारा करके साइना के टेबल के पास भेजते हुए कहा, खाने का ऑर्डर मैम से ले लो जाकर। ओके सर, बोलकर वेटर साइना की टेबल के पास आकर खड़ा हो गया।
राजवीर की माँ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उनका मोबाइल रिंग हुआ और उन्होंने उठाकर देखा तो राजवीर का फोन था। मोबाइल स्क्रीन पर राजवीर का नाम देखकर वीना जी उठकर बैठ गई और बोली, ये इतनी रात को राजवीर क्यों फोन कर रहा है अपने कमरे से? सोचते हुए वीना जी ने फोन रिसीव कर लिया। हाँ बेटा, क्या हुआ? वीना जी ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, वो मॉम, आपको कुछ बताना था, आप सो गई थी क्या? राजवीर कॉल की दूसरी तरफ से बोला, तो कॉल क्यों कर रहे हो बेटा? रूम में आ जाओ या फिर सुबह बता देना। वीना जी बोली, रूम में नहीं आ सकता मॉम, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ और वही बताना था मुझे। राजवीर अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ गया है तू, और जाने से पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? साइना रूम में अकेली है क्या? पहले बताता तो मैं या संजना उसके साथ सो जाते जाकर। वीना जी राजवीर की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होती हुई अपने बेड पर ही उठ बैठी। अरे नहीं माँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं और साइना दोनों ही घर पर नहीं है और हम दोनों आप लोगों को बताए बिना आ गए हैं, इसीलिए अब कॉल करके बता रहा हूँ। फिक्र मत करिएगा, थोड़ी देर में हम लोग वापस आ जाएंगे। राजवीर ने अपनी माँ के इस तरह परेशान होने पर उन्हें पूरी बात बताई। लेकिन रात के इस वक्त ऐसे अचानक गए कहाँ हो तुम दोनों? वीना जी ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा। वो माँ, अचानक ही बाहर डिनर करने का प्लान बन गया, तो बस हम दोनों बाहर डिनर करने ही आए हैं, राजवीर ने अपनी माँ को बताया। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना और साइना का ध्यान रखना, वीना जी ने हिदायत देते हुए कहा। ओके मॉम, मैं ध्यान रखूंगा और डोंट वरी, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। राजवीर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, अब डिनर कर ले, बहुत देर हो गई है, बोलकर राजवीर की माँ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर वहीं पर बैठे बैठे मन ही मन ये सब सोचते हुए मुस्कुराने लगी। चलो अच्छा है, राजवीर और बहू जितना ज्यादा समय एक साथ बिताएंगे उतनी ही जल्दी एक दूसरे को जानेंगे और शादी को भी ठीक से निभा पाएंगे। और फिर से लाइट बुझाकर अपने बेड पर लेट गई। राजवीर अपनी माँ से बात करके साइना के पास वापस आया और उसने देखा कि साइना ने उन दोनों के लिए डिनर मंगवा लिया था और वो टेबल पर सजा हुआ था। साइना ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। ये देखकर राजवीर बोला, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी तुम्हें। लगी थी नहीं, अभी भी लगी है, साइना राजवीर की बात सुनकर बोली। तो फिर डिनर क्यों नहीं कर रही हो तुम? राजवीर ने उससे पूछा। आपका वेट कर रही थी, ऐसे अकेली ही खाना शुरू कर देती क्या मैं? साइना राजवीर की तरफ देखकर बोली। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मेरा वेट भी कर रहा है, राजवीर साइना की आंखों में झांक कर देखते हुए बोला और मुस्कुराने लगा। अच्छा तो अब पता चल गया ना, चलिए अब शुरू करते हैं। साइना उसकी इस तरह से मुस्कुरा कर देखने पर थोड़ा सा झेप गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ करती हुई बोली, ओके। बोलकर राजवीर ने डिश की तरफ देखा तो साइना ने ज्यादातर चाइनीज डिशेस ही ऑर्डर की थी। उन्हें देखकर राजवीर बोला, ओके, तो तुम्हें चाइनीज पसंद है? हाँ बहुत ही ज्यादा, मुझे, श्रेया और रायमा तीनों को ही पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे। साइना खुश होकर राजवीर को यही सारी बातें बताने लगी। राजवीर चुपचाप एकदम से ध्यान से साइना की बातें सुनने लगा। राजवीर को ऐसे चुप देखकर साइना उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, आपको चाइनीज नहीं पसंद है क्या? आप अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लीजिए, वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको ये पसंद नहीं है और मैंने हम दोनों का ही ऑर्डर कर दिया। अरे नहीं, मैं खा लेता हूँ, वैसे मुझे इंडियन ही ज्यादा पसंद है, लेकिन क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाना पड़ता है तो हर तरह का खाना खाना पड़ता है, राजवीर ने उसकी बात सुनकर कहा। अरे ये क्या बात हुई, मतलब दूसरे की पसंद का, कोई जबरदस्ती होती है क्या बिजनेस मीटिंग पर? राजवीर की बात सुनकर साइना बोली। राजवीर उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नए नए टेस्ट का खाना खाने को मिलता है और पसंद है मुझे ये भी, चलो खाते हैं, नहीं तो तुम कहोगी कि मेरी वजह से ही भूखी रह गई। अरे मैंने कब कहा ऐसा, साइना राजवीर की बात सुनकर तपाक से बोल पड़ी। अच्छा ठीक है, नहीं कहा, राजवीर फिर से मुस्कुराते हुए बोला तो इस बार साइना ने भी उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और फिर वो दोनों साथ में डिनर करने लगे।
ओह वाओ, दिस इज डिलीशियस, साइना मंचूरियन खाते हुए बोली। हाँ, तुम्हारा टेस्ट सच में अच्छा है, अब से मैं भी चाइनीज खाऊंगा, राजवीर ने भी मंचूरियन खाते हुए कहा। हाँ, अमन को भी पहले चाइनीज नहीं पसंद था, फिर मेरे साथ एक दो बार उसने खाया तो उसे भी पसंद आने लगा था। साइना ने राजवीर की बात सुनकर बिना सोचे समझे ही एकदम से बोल दिया। उस वक्त अपने और साइना के बीच राजवीर को साइना के मुंह से अमन का नाम सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने साइना से कुछ नहीं कहा। बस वो खाते खाते एकदम से रुक गया और बोला, तुम अमन के साथ डिनर पर भी गई थी, कहाँ जाते थे तुम दोनों, कोई स्पेशल जगह होगी ना? नहीं, डिनर पर तो कहीं नहीं गए, हाँ एक दो बार कॉलेज टाइम में ही लंच पर गए थे। वैसे आप रुक क्यों गए, नूडल्स लीजिए ना, साइना ने एक प्लेट राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा। अरे नहीं, मेरा हो गया, राजवीर उसे मना करते हुए बोला। इतनी जल्दी, ज्यादा कुछ तो खाया भी नहीं आपने, या फिर मैं ही ज्यादा खा रही हूँ, अच्छा मेरी प्लेट से खा लीजिए। बोलते हुए साइना ने अब अपनी प्लेट राजवीर के आगे कर दी और राजवीर ने भी एक दो बाइट उसमें से ले ली। और फिर डिनर फिनिश करने के बाद उन दोनों ने आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम खाते हुए साइना ने राजवीर से पूछा, वैसे आप इस जगह पर प्रिया के साथ आए हैं कभी? क्या? राजवीर को इस वक्त ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने चौंक कर साइना की तरफ देखते हुए कहा। आपने बोला था ना कि आपका फेवरेट प्लेस है ये, तो मैंने सोचा कि अपने समवन स्पेशल के साथ आप आए ही होंगे यहाँ। साइना ने आइसक्रीम एंजॉय करते हुए लापरवाही से पूछा। नहीं, कभी भी नहीं, और अगर इस जगह पर मैं कभी प्रिया के साथ आया होता या फिर उसकी एक भी याद इस जगह से जुड़ी होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस जगह पर नहीं आता, और फिर ना ही ये मेरा फेवरेट प्लेस होता, साइना की बात का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त थोड़ा गुस्सा, दर्द और तकलीफ उतर आई थी। साइना का ये सवाल अनजाने में ही सही, लेकिन राजवीर के पुराने जख्मों को थोड़ा कुरेद गया था। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे शायद ये नहीं पूछना चाहिए था। राजवीर का मूड ऑफ होता हुआ देखकर साइना को भी जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो उससे माफी मांगती हुई बोली, अरे नहीं, तुम क्या सॉरी बोल रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अच्छा किया जो पूछ लिया, मन में कोई सवाल नहीं रखना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसीलिए तुम भी बुरा मत फील करो। राजवीर ने साइना के इस तरह माफी मांगने पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ ओके, तो फिर ये बताइए कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, साइना ने बात बदलने और राजवीर का मूड ठीक करने के लिए उससे पूछा। अच्छा, अब ये क्यों जानना है तुम्हें, साइना के सवाल पर राजवीर बोला। क्योंकि अभी आपने ही तो कहा कि मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, बस इसीलिए पूछ लिया, अब बताइए भी, साइना ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। मुझे तो पंजाबी फूड बहुत पसंद है, और सबसे ज्यादा तो छोले भटूरे, राजमा चावल और आलू का पराठा, राजवीर ने काफी खुश होते हुए साइना को बताया, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे उसकी पसंद और ये सारी चीजें नहीं पूछी थी। इसीलिए साइना ने जब उससे उसकी पसंद के बारे में पूछा तो उसे बहुत अच्छा लगा। ओ गुड, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग यही खाएंगे डिनर में, राजवीर की बात सुनकर साइना भी खुश होती हुई बोली। ओह, तो दोबारा आने का प्लान भी बनाया जा रहा है, राजवीर ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा। क्यों, पहला और आखिरी डिनर ही था क्या ये, साइना ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए राजवीर से पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फिर से आएंगे जरूर, वैसे मॉम ने बोला था कि जल्दी घर वापस आ जाना, राजवीर ने साइना की बात का जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर चलते हैं, बोलते हुए साइना अपनी जगह पर खड़ी हो गई और राजवीर भी बिल पे करके उसके साथ ही जाने लगा। लिफ्ट में आकर साइना ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डिनर डेट, मुझे ये हमेशा याद रहेगा। मुझे भी हमेशा ही याद रहेगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने, डेट? साइना की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे नहीं, मैं तो बस वो,
साइना इधर उधर देखती हुई बोली और राजवीर उसे इस तरह नजरें चुराते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कुछ देर रुककर बोला, अच्छा ये बताओ कि क्यों याद रहेगी? राजवीर ने पूछा। बस ऐसे ही कुछ चीजों की कोई वजह नहीं होती, वो हमेशा ही याद रहती है, साइना काफी कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा पहले तो तुमने आने से मना कर दिया था? राजवीर उसे यहाँ आने से पहले की बात याद दिलाते हुए बोला। आपको बुरा लगा था क्या? आई एम सो सॉरी, मेरे सिर में सच में बहुत दर्द था, लेकिन थैंक यू आप मुझे यहाँ लेकर आए। घर से बाहर निकलने की वजह से अब मैं काफी फ्रेश फील कर रही हूँ, साइना राजवीर से माफी मांगती हुई बोली। ऑफ कोर्स यार, थोड़ा बुरा तो लगा ही था, आखिर मैंने पहली बार तुमसे कहीं साथ चलने के लिए पूछा और तुमने मना कर दिया, तो थोड़ा बुरा तो फील होता ही है, लेकिन फिर तुम साथ आ गई और इतनी बार सॉरी भी बोल चुकी हो, तो इट्स ओके, हिसाब बराबर, राजवीर मुस्कुराते हुए बोला। वैसे काफी लेट हो गया है ना? साइना टाइम देखती हुई बोली। लेट निकले भी तो थे घर से, इतना टाइम लगना तो नॉर्मल है, वैसे माँ को बता दिया था तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, राजवीर ने साइना से कहा और फिर बातें करते हुए वो दोनों वहां से बाहर आ गए और कार के पास पहुंच गए। फिर कार में बैठकर वो दोनों शेखावत मैंशन वापस आ गए। आज उन दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। राजवीर साइना के साथ इतना टाइम बिताकर ही खुश था और साइना को भी राजवीर का साथ अब अच्छा लगने लगा था और वो उसकी आदतें और पसंद नापसंद नोटिस भी करने लगी थी, लेकिन अभी साइना ने इस तरफ ध्यान देना शुरू नहीं किया था। घर पहुंचकर राजवीर ने कार पार्क की और फिर वो दोनों अपने रूम में आकर चेंज करने लगे। साइना राजवीर से पहले चेंज करके आई और जैसे ही राजवीर चेंज करने गया, उसने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और वहीं सोफे पर बैठकर लिखने लगी जो कुछ भी आज हुआ था, और फिर वहीं अपने तकिए के नीचे डायरी रखकर साइना सोफे पर ही सो गई। राजवीर चेंज करके बाहर आया तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई कार कीज वापस अपने ऑफिस पहनकर जाने वाली कोट की जेब में रखने लगा और साइना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो कम से कम मैडम नोटिस तो करती है हमें, हम तो इतने में ही खुश हैं। अगले दिन सुबह जब राजवीर सोकर उठा तो उसने देखा कि साइना अभी भी बेड के सामने पड़े सोफे पर घोड़े बेचकर सो रही है और सोते हुए तो हमेशा ही राजवीर को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती थी, बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह। और साइना को इस तरह सुकून से सोता हुआ देखकर राजवीर का तो कभी भी मन नहीं करता था उसे नींद से जगाने का, लेकिन राजवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने जाने से पहले नजर भर के मुस्कुराते हुए साइना की तरफ देखने लगा और तभी उसे याद आया कि कल साइना ने उससे कहा था कि ऑफिस जाने से पहले वो उसे जगा दे। देखो तो कितने आराम से सो रही है मैडम, रात में भी तो मुझसे पहले ही सो गई थी, राजवीर सोती हुई साइना की तरफ देखकर मन में बोला। राजवीर उसकी तरफ देखकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी साइना ने सोते हुए करवट बदली और सोफा छोटे होने की वजह से वो एकदम किनारे पर आ गई और उसका हाथ सोते वक्त सोफे से बाहर एकदम नीचे की तरफ हो गया और सामने से देखने पर ऐसा लगा कि साइना बस जमीन में गिरने वाली है। तो राजवीर जल्दी से उसकी तरफ पहुंचा और उसने साइना का हाथ पकड़ लिया और बोला, उठ जाइए मैडम, सुबह हो गई है, उठो साइना। साइना ने अपना हाथ वापस ले लिया और सोफे पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। तभी राजवीर की नजर साइना के हाथ पर पड़ी तो राजवीर ने देखा कि साइना ने हाथों में एंगेजमेंट वाली रिंग ही नहीं पहनी हुई है और ये देखकर राजवीर को काफी बुरा लगा। आज से पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था साइना के हाथ की उंगली पर, लेकिन राजवीर ने इस वक्त उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने दोबारा से साइना को जगाते हुए कहा, अरे तुमने ही तो बोला था कि सुबह ऑफिस जाने से पहले उठा दीजिएगा और अब उठ ही नहीं रही हो, प्लीज बस 5 मिनट और, साइना नींद में ही बोली। उसके बाद राजवीर ने साइना से कुछ भी नहीं कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया, लेकिन साइना की अंगूठी में एंगेजमेंट रिंग ना होने वाली बात अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ देर बाद राजवीर नहाकर बाहर निकला
तो उसने देखा कि साइना अभी भी उसी तरह तकिए से अपना मुंह ढक कर सोफे पर ही सोई हुई है। अभी तक नहीं उठी ये तो, रहने दो, सोने देता हूँ। वैसे भी रात में काफी लेट हो गया था ना सोने में, राजवीर मुस्कुराते हुए खुद से बोला। और तब भी अचानक उसकी नजर साइना के सिर के नीचे रखी हुई थोड़ी सी दिख रही किसी चीज पर पड़ी। वो क्या है? राजवीर साइना की तरफ बढ़ता है उस चीज को नजदीक से देखने के लिए। वो साइना की डायरी होती है जो साइना ने रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखी थी, लेकिन खड़े होकर दूर से देखने पर वो डायरी राजवीर को ठीक तरह से पूरी नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। राजवीर डायरी की तरफ देखकर झुकता हुआ साइना के चेहरे के एकदम नजदीक पहुंचा और डायरी की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने लगा, अचानक से साइना ने अपनी आंखें खोल दी और राजवीर को ऐसे एकदम नजदीक और चेहरे के सामने देखकर साइना एकदम से हड़बड़ाकर बोली कि क्या कर रहे हैं आप? एकदम से साइना को जागते हुए देखकर उस पर झुका हुआ राजवीर भी हड़बड़ाहट में एकदम से डिसबैलेंस हो गया। उसका पैर शायद सोफे के नीचे किसी चीज में फंस गया था और वो लड़खड़ाकर सोफे पर लेटी हुई साइना के ऊपर ही गिर गया और फिर थोड़ा संभलते हुए बोला, वो तो मैं तो तुम्हें ही जगा रहा था। ऐसे कौन उठाता है? लग रहा है कि आप भी मेरे साथ ही सोने आ रहे हैं, साइना राजवीर की तरफ देखती हुई बोली। अरे नहीं, दो बार तुम्हें उठा चुका हूँ और तुम अब तक उठी नहीं, तो बस फिर से उठा रहा था और तुम अचानक ही जाग गई और एकदम से ऐसे बोली कि मैं संभल नहीं पाया और तुम्हारे ऊपर ही फिसल गया। राजवीर ने साइना को सफाई देते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, और इस तरह जगाने के लिए थैंक्स। अब आप उठिए तो मैं भी उठूं, साइना राजवीर से बोली। I'm so sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? राजवीर ने उठते हुए साइना से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको तो नहीं लगी? साइना ने राजवीर से पूछा। नहीं, वो बस पैर किसी चीज से टकरा गया था शायद, राजवीर अपना पैर सहलाते हुए बोला और उसका पैर सोफे के नीचे कहीं पर फंस गया था। ओह, सादा लग गई क्या? I'm so sorry, मेरी वजह से, मैंने शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन वो मेरी आदत नहीं है ना, आज अचानक से मेरी आँख खुली और आप एकदम से सामने और करीब, साइना पूरी बात समझाते हुए राजवीर से बोली। कोई बात नहीं, लेकिन अब कल से मैं तुम्हें नहीं जगाने वाला, तुम खुद ही उठ जाना, अभी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, राजवीर ने कहा और उठकर अपना कोट पहनने लगा। साइना भी उठकर सोफे पर बैठ गई और उसकी नजर डायरी पर पड़ी। उसे लगा कि राजवीर शायद अब तक उसकी डायरी नहीं देख पाया है, इसीलिए उसने जल्दी से अपना तकिया डायरी पर रख दिया और राजवीर सामने बेड पर बैठकर सॉक्स पहनने लगा। और तभी साइना ने उसके पैर की तरफ देखा तो साइना की नजर राजवीर के पैर पर लगी चोट पर पड़ी। पैर पर सोफे की लकड़ी लगने की वजह से राजवीर का एक पैर हल्का सा छिल गया था और उसमें से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था, लेकिन राजवीर इग्नोर करते हुए उस पर सॉक्स पहनने जा रहा था। लेकिन जैसे ही साइना ने देखा, वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और राजवीर के पास पहुंचकर एकदम से बोली, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ अब? राजवीर ने साइना की तरफ देखकर पूछा। इधर नहीं, अपने पैर की तरफ देखिए, कितनी ज्यादा लगी है आपको, ऐसे ही सॉक्स पहन लेंगे तो दर्द होगा, रुकिए मैं एंटीसेप्टिक लगा देती हूँ, बोलकर साइना फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगी। अरे नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा, रहने दो, तुम परेशान मत हो, राजवीर बोल ही रहा था कि साइना ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और बोली, चुप करिए आप, इतना ज्यादा लगा है, कायदे से तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन अभी रुकिए, मैं कर रही हूं ना बैंडेज, आप चुपचाप बैठिए। साइना की उंगली अपने होठों पर देखकर राजवीर एकदम चुप हो गया और उसको इस तरह से अपनी फिक्र करती देख काफी प्यार भरी नजरों से वो साइना की तरफ देखने लगा। और साइना ने पहले एंटीसेप्टिक लिक्विड से राजवीर की चोट को साफ किया और फिर उस पर दवा लगाकर बैंडेज कर दिया और फिर बोली, दर्द हो रहा है ना, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को दिखा आइएगा। अरे नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो बस हल्का सा पैर फंस गया था,
राजवीर उसकी बात पर बोला, मेरी वजह से लगी है ना ये चोट आपको, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अब। साइना राजवीर के पैर की तरफ देखकर थोड़ा उदास होती हुई बोली, अरे नहीं, तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम क्यों बुरा फील कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा पैर, मैं चल भी रहा हूँ। सॉक्स और शूज पहनने के बाद राजवीर उठकर खड़ा होते हुए बोला, अच्छा ठीक है फिर, आप बोलते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं शाम को फिर से चेक करूंगी। साइना राजवीर से बोली, ओके मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं ऑफिस जाऊं, राजवीर थोड़ा ड्रामेटिक वे में बोला, लेकिन आज उसे साइना का अपने लिए इस तरह से फिक्र करना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, और उसकी चोट तो जैसे साइना के छू लेने भर से ही ठीक हो गई थी। हाँ बिल्कुल चाहिए, मुझे भी फ्रेश होना है, बोलकर साइना अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। और इन सब में राजवीर साइना के सिर के नीचे दिखी उस डायरी जैसी चीज के बारे में तो बिल्कुल भूल गया, लेकिन बैंडेड करते वक्त उसकी नजर एक बार फिर से साइना की खाली उंगली पर पड़ गई थी, और वो एंगेजमेंट रिंग वाली बात राजवीर को फिर से याद आ गई थी। ओके बाय, बोलकर राजवीर कमरे से बाहर आ गया और उसने देखा कि नाश्ते की टेबल पर आर्यन पहले से ही रेडी बैठा था, और फिर राजवीर ने आर्यन के साथ ही ब्रेकफास्ट किया और वो दोनों एक साथ ही घर से ऑफिस आ गए। राजवीर और आर्यन के जाने के कुछ देर बाद ही साइना भी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आ गई और वीना जी और संजना के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। कल अचानक ही तुम दोनों बाहर चले गए थे? वीना जी ने साइना से पूछा। वो हाँ मम्मी जी, बस एकदम अचानक से ही प्लान बन गया तो किसी को बता नहीं पाए, साइना ने अपनी सास को बताया। कहाँ गए थे भाभी आप और भैया, कल मुझे तो पता ही नहीं चल पाया, संजना ने एक्साइटेड होते हुए साइना से पूछा। डिनर पर गए थे संजना, साइना मुस्कुराकर बोली। ओ वाओ भाभी, लेट नाइट रोमांटिक डिनर डेट, वैसे भैया को देखकर लगता तो नहीं है वो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, संजना साइना की बात सुनकर थोड़ा सा सोचती हुई बोली। तुझे बड़ा पता है भाभी के सामने अपने भाई की बुराई कर रही है, चुप कर तू संजना, और तुझे देर नहीं हो रही कॉलेज के लिए, संजना के ऐसे बोलने पर वीना जी ने संजना को डांटते हुए कहा। अरे बुराई क्या मॉम, सच ही तो बोला, वो राज भाई इतने सीरियस रहते हैं तो उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ प्लान करेंगे, संजना अपनी माँ की बात पर फिर से बोली। मेरा राजवीर बहुत अच्छा है, तुम दोनों भाई बहन से तो बहुत ही अच्छा है, क्यों साइना तुम ही बताओ संजना को, वीना जी राजवीर का पक्ष लेते हुए साइना से पूछने लगी। साइना उनके इस सवाल पर कुछ नहीं बोली और उसने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया, और फिर संजना से बोली, देखा तेरी भाभी भी मेरी साइडी है, अच्छा ठीक है मैं निकलती हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी, बाय मॉम बाय भाभी, बोलकर संजना ने अपना बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल गई। बेटा तुम बुरा मत मानना, ये संजना तो झल्ली है, कुछ भी बोलती है, वो क्या है ना बहुत लाडली है ना अपने भाइयों की, और राजवीर की तो कुछ ज्यादा ही, आर्यन से तो ज्यादातर लड़ाई ही होती है संजना की, वीना जी साइना को समझाती हुई बोली। कोई बात नहीं मम्मी जी, संजना मेरी भी तो बिल्कुल छोटी बहन राइमा की तरह ही है, और मैंने देखा था संजना और आर्यन को लड़ते हुए, उनकी लड़ाई में भी प्यार है, साइना ने भी सारी बात समझते हुए काफी समझदारी से कहा। बहुत समझदार हो तुम बेटा, मेरा राजवीर बहुत किस्मत वाला है जो उसे तुम एक जीवन साथी के रूप में मिली, उसका हमेशा साथ देना, वीना जी फिर से उसे समझाती हुई बोली। लेकिन साइना इस बात पर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना नाश्ता करके वापस अपने रूम में आ गई, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आया कि अपनी सास की इन सारी बातों का असल में वो क्या जवाब दे।